हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन डीटीएस के पेपर में मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो माई सर रिंकेश कुमार गुप्ता, टी मैथमेटिक्स, सीएलसी सीधा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स स्क्वायर साइन रूट एक्स डी टी अपॉन एक्स क्यू। मतलब आपको एक लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो देखो सिंपल मेथड है कि जब भी आपको लिमिट को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप लिमिट की वैल्यू पुट करो। अगर लिमिट की वैल्यू को पुट करने से डायरेक्ट अगर सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी क्या बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म तो उसको आगे फर्दर सिंपलीफाई करोगे। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे जब आप x को 0 पुट करोगे तो x को 0 लेने पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 0 है। तो इंटीग्रेशन की लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू 0 हो तो कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और x को 0 पुट करने पे अपॉन में भी क्या आएगा, 0। मतलब ये कौन सी फॉर्म है, 0/0। तो जब भी लिमिट के अंदर 0/0 फॉर्म हो तो देन वी कैन अप्लाई डीएल रूल। आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल का मीनिंग क्या है कि न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर में डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन। तो बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट क्या आ गया, 3x2। और न्यूमेरेटर की डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, न्यूटन्स लेवनिज फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो देन वी कैन यूज न्यूटन्स लेवनिज फॉर्मूला। तो न्यूटन्स लेवनिज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करो, टी की जगह क्या पुट करोगे, x2। तो टी की जगह x का पुट करो तो क्या आ गया, साइन एक्स रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन क्या जाएगा, 2x। तो ये आ गया साइन एक्स 2x अपॉन 3x2। तो देखो एक एक्स तो आपका कैंसिल आउट, और अब आपको दिख गया होगा शायद कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 अपॉन 3 दिस इज साइन एक्स अपॉन एक्स। और ये आपको पता होना चाहिए एक्स टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट है आपका। तो देन इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 2/3। तो बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखो इफ fx इक्वल टू gi sin x + gi cos x, x आपको 0 से 2 पाई गिवन है, gi का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटीन्यूअस। मतलब ये जो फंक्शन fx जितने पॉइंट पे क्या डिसकंटीन्यूअस, उनकी काउंटिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी आपको gi फंक्शन के लिए क्या पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करो आप, तो उसका बेटर ऑप्शन क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आपका जनरली इंटीजर पे क्या होगा, ब्रेक होगा। अब सबने पढ़ा होगा कि जो y इक्वल टू स्टेप x है, तो y इक्वल टू स्टेप x का जो डायग्राम है वो x बिलोंग्स टू इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। तो सीधा डिसकंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब भी आपको स्टेप फंक्शन की क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, तो आप क्या करोगे कि जो sin x है, sin x जिन जिन पॉइंटों पे क्या होगा, इंटीजर होगा, उन पॉइंट पे आप इसको चेक करोगे। यही काम आपको कॉस में करना है कि कॉस आपका जिन पॉइंट पे क्या होगा, इंटीजर, उन पॉइंट पे आप अगेन चेक करोगे। तो आप क्या करो इसमें, जो स्टेप sin x आपका, x आपका 0 से पाई है, तो 0 से पाई में स्टेप sin x की वैल्यू इंटीजर का हो सकती है। 0 पे sin 0 0 होगा, sin pi / 2 1 होगा, पाई पे अगेन 0 आ गया, 3 pi / 2 आ गया, और मतलब x 0 pi / 2 pi 3 pi / 2 2 pi लोगे, इस केस में sin x आपका इंटीजर देगा। तो देन इस केस में ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस या नॉट डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। सिमिलरली जो स्टेप cos x है, ये भी आपका 0 pi / 2 pi 3 pi / 2 2 pi पे क्या देगा, इंटीजर। तो देन इन पे भी आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूटी को चेक करना है। इनको बोलते हैं सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस का मीनिंग ये वो पॉइंट्स है जिन पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो भी सकता है और डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है। इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे तो 100% फंक्शन क्या होगा, आपका कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा कि इन पॉइंटों के रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं 0 से 2 पाई में, उन पॉइंट्स पे sin x एंड cos x बोथ आर कंटीन्यूअस। तो दो टू कंटीन्यूअस फंक्शन का जो समेशन या सबट्रैक्शन है इज ऑल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आपको ओनली इन पे चेक करना है। तो देखो फटाफट कर सकते हो। देखो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, ग्राफ में दोनों का डायग्राम देख लोगे ना तो स्पीडली कर पाओगे क्वेश्चन को। ये 0 से 2 पाई में sin x का डायग्राम है,
सिमिलरली ये आपका cos x का डायग्राम है, ठीक है, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू एंड दिस इज पाई। तो देखो सिंपल, जीरो की बात करोगे आप तो जीरो पे इसकी क्वांटिटी अगर आपको चेक करनी है तो जीरो पे ओनली एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करोगे, क्योंकि जीरो के लिए तो लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन और वन का स्टेप वन। फिर बात करते हैं जीरो प्लस, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे साइन जीरो प्लस, साइन जीरो प्लस की वैल्यू जीरो से जस्ट ग्रेटर और जीरो से जस्ट ग्रेटर का स्टेप जीरो आ गया। सिमिलरली एक्स जीरो पे कॉस वन और जीरो से जस्ट ग्रेटर लोगे तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, वन से जस्ट लेस और वन से जस्ट लेस का स्टेप क्या होगा, अगेन जीरो। तो क्या आ गया, जीरो पे फंक्शन आ गया डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली जब आप एक्स इक्वल टू पाई बाई टू की बात करोगे तो पाई बाई टू पे आपको सब कुछ चेक करना है, एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू चेक करोगे, उसके बाद एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस की बात करोगे, मतलब एल एच एल आर एच एल बोथ, और नेक्स्ट लिखोगे एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस। तो देखो इस केस में क्या करना है, पाई बाई टू तो डायरेक्ट पुट कर दो आप, साइन पाई बाई टू वन, कोस पाई बाई टू जीरो, तो वन आ गया बेटा, और साइन एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस, देखो ब्लैक बोर्ड पे साइन पाई बाई टू वन है तो पाई बाई टू से जस्ट लेस लोगे तो साइन की वैल्यू क्या होगी, वन से लेस और वन से लेस का स्टेप जीरो। सिमिलरली पाई बाई टू प्लस की बात करोगे आप तो पाई बाई टू प्लस पे भी क्या होगा, साइन की वैल्यू वन से जस्ट लेस तो उसका स्टेप भी क्या होगा, जीरो। तो साइन के रेस्पेक्ट में तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस। हाँ अगेन कोस की बात करते हैं, पाई बाई टू माइनस पे कोस पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू से जस्ट लेस लोगे तो कोस की वैल्यू जीरो से जस्ट ग्रेटर और जीरो से जस्ट ग्रेटर का स्टेप अगेन क्या होगा, जीरो। जब ये वन है जीरो है तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको, और देख लो जीरो प्लस पे सॉरी पाई बाई टू प्लस पे कोस की वैल्यू जीरो से जस्ट लेस होगी और जीरो से जस्ट लेस का क्या होगा, माइनस के वन, तो ये आ गया वन जीरो माइनस, ठीक है। तो ये पाई बाई टू पे भी क्या होगा, डिस्कंटीन्यूअस। सिमिलरली आप पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई पे भी चेक कर सकते हो। तो देखो चलो देख लेते हैं, जब आप एफ ऑफ पाई की बात करोगे आप तो एफ ऑफ पाई तो क्या होगा, माइनस वन, एफ ऑफ पाई प्लस की बात करो देखो साइन पाई प्लस, साइन पाई जीरो, पाई प्लस का मीनिंग थर्ड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन की माइनस वन और कॉस पाई माइनस वन और पाई से जस्ट ग्रेटर लेवल एस लो, कॉस की वैल्यू वन से जस्ट ग्रेटर होगी और वन माइनस वन से सॉरी माइनस वन से जस्ट ग्रेटर का स्टेप भी क्या होगा, माइनस वन होगा। तो ये क्या आ गया, माइनस टू, ये वैसे गलत हो गया, ठीक है ना, ये माइनस वन माइनस टू, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पाई पे भी क्या आ गया, डिस्कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली जब आप थ्री पाई बाई टू और टू पाई की बात करोगे तो देखो उस पर क्या आने वाला, एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू, तो साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो हटाओ और एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस, कुछ भी ले लो एक सबसे हो जाएगा आराम से, आओ साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन उससे जस्ट लेस लोगे तो उसका स्टेप क्या आएगा, अगेन माइनस वन, कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो, थ्री पाई बाई टू से जस्ट ग्रेटर लोगे तो उसका स्टेप क्या होगा, उसका स्टेप क्या होगा, जीरो प्लस का स्टेप जीरो, इसका मतलब माइनस बना रहा है अभी, इसका मतलब आपको थ्री पाई बाई टू माइनस पे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो एफ ओ थ्री पाई बाई टू माइनस की बात करोगे आप तो देखो थ्री पाई बाई टू माइनस पे साइन तो अगेन माइनस वन होगा और थ्री पाई बाई टू से जस्ट लेस लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस माइनस वन, तो क्या आ गया बोलो, माइनस की टू, तो ये थ्री पाई बाई टू पे भी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली टू पाई पे आपको एफ ऑफ टू पाई और एफ ऑफ टू पाई माइनस की बात करोगे क्योंकि टू पाई प्लस पे तो फंक्शन को लेट नहीं करना है, तो जब इस पे भी चेक करोगे तो वो भी आपका दोनों क्या होंगे, डिफरेंट, एफ ऑफ जीरो सॉरी एफ ऑफ टू पाई तो सिंपल क्या जाएगा, वन, तो कॉस टू पाई वन और साइन टू पाई जीरो, और एफ ऑफ टू पाई माइनस की बात करोगे तो देखो साइन टू पाई जीरो जस्ट लेस लोगे तो साइन की वैल्यू माइनस वन होगी, कॉस टू पाई वन और वन से जस्ट लेस लोगे तो जीरो, तो क्या आ गया, माइनस वन, इसका मीनिंग टू पाई में भी फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो ये टोटल फाइव पॉइंट पे क्या होगा बोलो, डिसकंटीन्यूअस। तो जब भी स्टेप फंक्शन की बात की जाएगी तो आपको स्टेप का जो अंदर वाला पार्ट है जब जब इंटीजर देगा उन ऑल पॉइंट्स पे आपको उसको
चेक करना है 1 by 1, ठीक है चलेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया, सिंपल एक लिमिट को सॉल्व करना। तो देखो पहले एक बार जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार डायरेक्ट लिमिट को पुट करो, अगर डायरेक्ट पुट करने से सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई भी क्या बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको फर्दर सॉल्व करें आप। तो देखो जीरो प्लस, तो इसकी बात करोगे आप तो क्या जाएगा, जीरो प्लस की पावर इन्फिनिटी। तो जीरो से जस्ट ग्रेटर को जब इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करते हो आप, तो वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये तो सिंपल क्या बन जाएगा आपका, जीरो। हटाओ इसमें बात करोगे तो क्या होगा, 1/0 प्लस इन्फिनिटी की पावर जीरो। तो इन्फिनिटी की पावर जीरो तो क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको फर्दर अपन सॉल्व करते हैं। देखो ब्लैक बोर्ड पे, तो क्वेश्चन ये रह गया सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस 1/x की पावर x। बोलो आए ना, ये IIT JEE में आया क्वेश्चन है, 2006 का शायद, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो जीरो आ गया, अब इस लिमिट को सॉल्व करना है कौन सी फॉर्म में, बोलो, इन्फिनिटी की पावर जीरो। जब भी इन्फिनिटी की पावर जीरो हो, मतलब ये पावर वाली हो तीनों में से, वन की पावर इन्फिनिटी या जीरो की पावर जीरो, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो और जीरो की पावर जीरो, इसमें तो क्या करते हैं, जो भी लिमिट है उसको आप कुछ भी लेट कर दो, लेट एल एट किया और टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग लेके सॉल्व करना है। और अगर वन की पावर इन्फिनिटी हो तो सीधा शॉर्टकट से कर सकते हैं, ई की पावर लगा के, ई की पावर लो, पावर को आगे लो और जो अंदर वाला बेस है उसमें से वन कर दो सबट्रैक्ट, ये पता होगा सबको। तो अभी तो क्या करना है, ये इन्फिनिटी की पावर जीरो है तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो जब बोथ साइड लॉग लोगे बेस में ही लगा देना, तो क्या जाएगा, लॉग ई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, लॉग लेने पे एक्स तो आगे आ गया और क्या आ गया, लॉग 1/x, और लॉग 1/x को ले सकते हैं लॉग एक्स, तो आगे माइनस लगा दो ना, लॉग 1/x का मीनिंग एक्स की पावर माइनस वन, माइनस आगे आ गया। तो अब ये कौन सी फॉर्म बनी, देखो जीरो प्लस पे जीरो और लॉग जीरो इन्फिनिटी, ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो क्या करते हैं, उसको जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, इस x को अपॉन में ले आओ ज्यादा बेटर है। तो जब x को अपॉन में लेके आओगे तो क्वेश्चन क्या रहेगा, ln x अपॉन 1/x, और दिस आने के बाद सिंपल क्या कर दो, ये इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म है, तो अगेन अपन l हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो क्या रहेगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स, तो ये क्या जाएगा, जीरो आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ये लॉग ई बेस एल की वैल्यू, तो एल आ जाएगा ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या फिल करनी है, वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है, देख सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू, तो देखो इधर आए ब्लैक बोर्ड पे, इनफाइनाइट प्लस वन तो इन्फिनिटी है, इस बेस में बात करोगे तो देखो इन्फिनिटी पुट करने पे ये भी अपवर्ड पैरा हो रहा है, क्योंकि क्वार्टिक की वैल्यू क्या होगी, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ, और ये भी कहाँ टेंड करने वाला, इन्फिनिटी की तरफ। मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट है अंदर वाली, ये भी ऑलरेडी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। भाई इस पावर की बात तो बाद में कर पाओगे ना, आपको इसको फाइनली देखना है कि जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बट उससे पहले क्या गया, ये जो अंदर वाला पार्ट है आपका बेस, ये इनफाइनिट अपॉन इनफाइनिट फॉर्म है। तो जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो, पॉलीनोमियल फंक्शन हो, पॉलीनोमियल फंक्शन हो, तो उस केस में जब भी इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म है तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो जब आप अंदर वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स का कॉमन लो आप एन अपॉन डी में। तो जब एन अपॉन डी में जब आप एक्स का कॉमन लोगे तो क्या आ गया, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन इधर भी आ गया 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। और जब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो 0 0 0 तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। मतलब जब इस बेस के अंदर x को इन्फिनिटी पुट करोगे और सिंपलीफाई करोगे आप, तो एक कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू क्या ही 1, और ये जब 1 की तरफ टेंड कर रहा है आपका और पावर कितनी, इन्फिनिटी, तो फाइनली कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इनफिनिटी। मतलब ये क्वेश्चन आपका शॉर्टकट से करना, बोलो आया ना, उसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये कौन सी फॉर्म बन चुकी है फाइनली। तो आपको जब भी क्वेश्चन के इंटरमीडिएट स्टेट में, इंटरमीडिएट का मीनिंग कोई भी
एक सब पार्ट के अंदर कोई भी क्या बने, फॉर्म बने, तो उसको रफली सोल्व करें आप साइड में, और उसको सोल्व करने के बाद आप कंप्लीट पार्ट को चेक करें कि वो विच फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म है आपकी। अभी अगर वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो शॉर्टकट क्या है कि इसको लिखो e की पावर में लिमिट लगा दें आप, ये शॉर्टकट मेथड आना चाहिए वन की पावर इन्फिनिटी में। e की पावर लिमिट लगाओ, पावर को मल्टीप्लाई में लाओ और कुछ नहीं करना, इस अंदर वाले पार्ट में से वन को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस के 1। तो जब आप इसका बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू सॉरी इन्फिनिटी, ये तो आ गया x प्लस 1 और ये क्या आ गया देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया माइनस x, तो ओनली x आ गया और अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोलो ये सुन लो, इतना आने के बाद अभी भी अगर आप इसकी प्रॉपर बात करोगे तो अगेन इसको अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, क्या रहेगा क्वेश्चन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, ये भी आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और जब भी अगेन लिमिट तो आपकी क्या हो इनफिनिटी, और लिमिट इनफिनिटी होने के बाद अगर क्वेश्चन क्या हो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो क्या मेथड है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे। तो देखो जब आप इधर से x को कॉमन लोगे तो ये तो आ गया 1 प्लस 1 बाई x, और इधर से कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x स्क्वायर, यस सर, और देन x को इनफिनिटी पुट करने पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 1 अपॉन 1 1, तो e की पावर 1 इज e, तो इसका क्या आंसर फिल करना अपन को e, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी थीटा दिस पार्ट इज, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो अंदर जो फंक्शन गिवन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, इस सीरीज को बेटा फर्दर सॉल्व करना है, ये इनफाइनाइट सीरीज है क्योंकि n को जब इनफिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये इनफिनिटी की तरफ टेंड करने वाला है। ठीक है, तो इस इनफिनिटी सीरीज को सॉल्व करने का मेथड क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, देखो ये क्या है tan थीटा 1 by 2 tan theta by 2 1 by 2 square tan theta by 2 square dot dot dot, जब भी इस tan theta में ये इस टाइप की सीरीज है तो उसको क्या करते हैं, जो इसका सबसे लीस्ट एंगल है सबसे छोटा एंगल कौन है theta upon 2 की पावर है, इसको क्या करो अपन अलग से देखो, आप इसको क्या करना है, ये जो 1 upon 2 की पावर n tan theta upon 2 की पावर n है जो लीस्ट एंगल है इसके अंदर क्या करो -1 by 2 cot theta upon 2 की पावर n सबट्रैक्ट करो और ऐड करो, मतलब जो लीस्ट एंगल है उसके cot से सबट्रैक्ट करना ऐड करना है, तो ऐड करने वाला तो पार्ट लास्ट में जाएगा, इसको सिंपलीफाई करने पे देखो क्या आने वाला है, मतलब ये भी n है तो n लगा दो आप, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसमें जब इसको sin cos में आप कन्वर्ट करोगे क्या करोगे sin cos में करो, कुछ नहीं करना, दिस है तो tan की जगह cot लेके सबट्रैक्ट कर दो आप, तो जब इस सीरीज को सॉल्व करोगे तो क्या आ गया ये 1 upon 2 की पावर n तो बाहर आ गया हटाओ, और ये क्या जाएगा sin theta upon 2 की पावर n minus cos theta upon 2 की पावर n, तो जब इसका LCM लोगे तो क्या जाएगा sin square theta upon 2 की पावर n minus cos square theta upon 2 की पावर n upon साइन दिस एंगल और कोस अगे दिस एंगल, दिस पार्ट आने के बाद देखो क्या करना है, ये तो सिंपल फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस का थीटा माइनस के कोस टू थीटा, मतलब माइनस के कोस ट्वाइस ऑफ दिस, तो एक पावर कम हो जाएगी अपॉन में, अपॉन ये जो अपॉन में टू की पावर है ना इसमें से एक टू करो सेपरेट, एक टू को सेपरेट करने के बाद ये अगेन बन गया टू साइन थीटा कोस थीटा, थीटा सेम है ना तो ये क्या बन जाएगा साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा करने पे ये भी एंगल क्या आ गया साइन थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, क्या जाएगा थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, तो दिस इज कोस अपॉन साइन कोट थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, मतलब इसमें बेसिकली हुआ क्या आपको सोचो, इससे जस्ट
जो प्रीवियस टर्म है वो क्या होगी, मानो देखो इसमें टू स्क्वायर एक पावर बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब इससे पहले वाले में एक पावर छूटी होगी इससे, और क्या होगा टेन थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस। तो देखो इसमें सिमेट्री से क्या पता चला, जो लास्ट टर्म है इसके लिए आपने क्या किया, इसके कोस को कोट को सेपरेट कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट इसमें सेपरेट किया। जब दिस पार्ट को सेपरेट करने के बाद आपने इस लास्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया, तो ये लास्ट टर्म उसके साथ सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, दिस वाला पार्ट। तो देखो सिमेट्री से अगेन सेम ही बन गया ना, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 tan थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, और ये क्या है माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 cot, सेम एंगल। तो अब आपको सोचो सिमेट्री से जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे आप, तो ये क्या आएगा माइनस कोट एक एन कम हो जाएगा इसमें और सेम आ जाएगा अपॉन में। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, मतलब इसमें एक पावर कम और ये एंगल कम, एक एंगल हाफ होके कोट आ जाएगा इसमें, हाँ है ना। तो सिमेट्री से जब आप इसमें अगेन साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आने वाला है, माइनस वन अपॉन टू की पावर एन माइनस टू और अगेन कोट ऑफ थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस टू। तो फाइनली सिमेट्री से क्या पता चलेगा, इसके लिए तो आपने सबट्रैक्ट किया था माइनस के वन अपॉन टू की पावर एन और थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, उसको जब आपने फर्दर सोल्व किया तो इससे जो प्रीवियस टर्म थी उसके लिए ऑटोमेटिक क्या आ गया, माइनस के वन अपॉन टू की पावर एन माइनस टू और थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस टू। सिमिलरली जब आप आगे आगे चलोगे तो ये टेन थीटा है, तो इन सारे टर्मों को जब सिंप्लीफाई करोगे तो टेन के लिए कोट कौन आएगा, माइनस के कोट थीटा। अरे यार इसके लिए कौन आने वाला है बताओ पहले, इसके लिए कौन आएगा, वन अपॉन टू टेन थीटा बाई टू, तो इसके लिए कौन होगा, सेम कोट में जाएगा और क्या। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के कोट थीटा। तो फाइनली क्या पता चल गया कि जब इसमें आपने वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया था, तो जब सीरीज को सिंप्लीफाई करोगे तो टेन के लिए इसके जस्ट बाद वाली टर्म क्या आने वाली है, माइनस के कोट थीटा। तो फाइनली क्वेश्चन क्या रहेगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनेट, लिख देते हैं एक बार, ये थीटा तो बाहर है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा। तो टेन थीटा माइनस कोस थीटा का सोल्यूशन क्या आने वाला है, चाहो तो वो रफ कॉपी में देख लो अलग से, साइन अपॉन कोस माइनस कोस अपॉन साइन, तो क्या गया एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के कोस टू थीटा अपॉन साइन इंटू कोस, तो इसको क्या करो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो क्या बन गया साइन टू थीटा, तो ये आ गया माइनस के टू कोट टू थीटा। तो क्या आ गया माइनस के टू कोट टू थीटा, ये तो दिस पार्ट आ गया, और अपने क्या किया था ये इसमें सब्ट्रैक्ट किया था, तो फिर ऐड भी तो करना है ना, तो इसके प्लस वाले पार्ट को उसमें ऐड करना है। जब आपने सीरीज को सोल्व किया था तो लास्ट में क्या किया था, माइनस के वन अपॉन टू की पावर एन, लास्ट टर्म क्या की थी माइनस वन अपॉन टू की पावर एन कोट थीटा अपॉन टू की पावर एन को सेपरेट किया, तो उसको ऐड भी तो करना है ना बैलेंस करने के लिए। तो चलो अब लास्ट में इसको ऐड कर देते इधर, तो देखो इस पार्ट जब दिस पार्ट को ऐड करोगे तो क्या आ गया, वन अपॉन टू की पावर एन कोट थीटा अपॉन टू की पावर एन, बोलो ये समझ में आ गया है। ठीक है अब मैं एक काम करता हूँ, सारे रिमेनिंग पार्ट को रिमूव कर देता हूँ, जैसे क्योंकि अभी तो क्वेश्चन को थोड़ा और समझना है। बस अभी तक अपन ने ओनली क्या किया है, इस सीरीज को सॉल्व किया, टेन की सीरीज को सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखना है, लिमिट, अब तो क्वेश्चन ही सिंपल स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन है, देखना एक काम करो इस थीटा को अंदर शिफ्ट कर दो आप, तो इस थीटा को अंदर लेके जाओगे तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया, या चलो कर देते हैं, तो थीटा को अंदर लेने पे क्या जाएगा, माइनस टू थीटा अपॉन इस कोट को डिवाइड में ले आओ तो टेन टू थीटा जाएगा, तो यह आ गया माइनस के टू थीटा अपॉन टेन टू थीटा, प्लस इस थीटा को भी अपॉन में ले आते हैं अपन, सॉरी इसके साथ ही मल्टीप्लाई में, और इस कोट को ले आओ डिवाइड में, तो क्या जाएगा देखो थीटा तो इधर आ गया और ये अपॉन में टू की पावर है, अपॉन में लिखो उसमें सी यू, ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, और इधर आ गया टेन
थीटा अपॉन 2 की पावर n, ये शायद सबको समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लो। जब आप थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, माइनस के 2 थीटा और tan 2 थीटा अपॉन में प्लस थीटा अपॉन 2 की पावर n और अपॉन में tan थीटा अपॉन 2 की पावर n। अब देखो पहले लिमिट पुट करो n की, ठीक है, अंदर वाली लिमिट पुट करोगे आप, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी की बात करोगे तो n का बिहेवियर ओनली सेकंड टर्म के अंदर है, तो सेकंड टर्म में n को क्या पुट करोगे, इनफिनिटी। तो जब सेकंड टर्म में आप n को इनफिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या गया, थीटा 2 की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी तो समथिंग अपॉन इनफिनिटी 0, मतलब ये जो आपका पार्ट है ये कहां टेंड करने वाला है, इनफिनिटी की तरफ, मतलब n टेंड्स टू इनफिनिटी पे थीटा अपॉन 2 की पावर n आपका बेटा इनफिनिट सॉरी 0 की तरफ टेंड करने वाला है, क्योंकि नंबर अपॉन इनफिनिटी 0 और ये भी कहां टेंड करने वाला 0। तो लिमिट चाहे कुछ भी हो, tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये सबने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x हो या x अपॉन tan x, ये दोनों वैल्यू 1 की तरफ टेंड करने वाली है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे ये भी 0 की तरफ टेंड करता है, ये भी 0 की तरफ टेंड करता है, तो क्या बन गया x अपॉन tan x, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1, तो ये तो आगे बना, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी का क्या टर्म हो गया फिनिश। तो क्वेश्चन क्या रहेगा अगेन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और इस बार आ गया माइनस टू थीटा अपॉन टेन टू थीटा प्लस 1, और दिस पार्ट आने के बाद अब अगेन क्या करना आप लोगों को देखो, लिमिट पुट करो थीटा की, तो थीटा को 0 लेने पे 2 थीटा भी आपका 0 की तरफ टेंड करने वाला है और टेन टू थीटा भी आपका 0 की तरफ टेंड करता है, मतलब ये भी 0 की तरफ, ये भी ध्यान रखें लिमिट x टेंड्स टू 0 पे टेन एक्स अपॉन एक्स है ना, तो दोनों में x सेम होना चाहिए, x है तो x, 2x है तो 2x होना चाहिए अपॉन में, तो ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा, तो ये भी वैल्यू कहां होगी आपकी 1 की तरफ टेंड करने वाली है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा इसका 0। बोलो कोई डाउट है क्या, चलो तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा फिल करना है, 0 से है फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर जाएगा इसका, ठीक है चलो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या है, ए पॉलीनोमियल फंक्शन f सेटिस्फाई दिस फंक्शनल प्रॉपर्टी, xy बिलोंग्स टू रियल नंबर, fx फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है x की और वैल्यू के लिए, देन f डैश इक्वल टू, तो आपको f डैश x को फाइंड करना है। तो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन इस टाइप की, जब भी आपको एक फंक्शनल रिलेशन गिवन हो या फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो, क्या हो फंक्शनल इक्वेशन गिवन हो और आपको फंक्शन को क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो उसका सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उसका क्या करो डिफरेंशिएशन। अब इसमें टू वेरिएबल x एंड y, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तब किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेट करके क्या कर सकते हो उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, मतलब आप ये लिख सकते हो इसमें कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एज y एज कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट लेट करते हुए, लिख देते अपन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x एज y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट लेट करते हुए आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो fx का करोगे तो क्या जाएगा f(x), fy का तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट माना है इसको, प्लस fy दो कांस्टेंट है तो fx का अगेन f(x) आ गया, fy एज इट इज, ये 0 है, f(x) जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ गया f(y) + 1 = 0, तो देन इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, इससे एक तो आ गया f(x) = 0 और f(y) = -1, f(y) का मीनिंग x की जगह y ले लो दिक्कत क्या रही है, या y की जगह x ले सकते हो, तो इससे तो क्या आ गया f(x) = -1, और क्वेश्चन में बोला गया कि f(x) आपका एक पॉजिटिव फंक्शन है, ये तो हो गया गलत, तो ओनली क्या आ गया f(x) = 0, तो ये इक्वेशन कवर्ड होगी फंक्शनल इक्वेशन जब f(x) का 0 होना मस्ट है, और क्वेश्चन यही पूछा है कि बताओ सर f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो देन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा सेकंड, बोलो कोई डाउट किसी को, चलो तो सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 दिस की पावर दिस, तो चलो एक बार डायरेक्टली अपन लिमिट को पुट करते हैं, तो x को देखो 1 पुट करो पहले बेस में 1 2 3 4 5 6, तो ये तो आ रहा 5/6, मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली अपन को इस पावर को सॉल्व करना है, ठीक है, ओनली क्या करना है इस पावर को सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंपल क्या आ गया 5/6। अब इस पावर में लिमिट पुट करोगे x को 1, तो
तो बेटा इसमें x को 1 पुट करने पे देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 cos 0 की वैल्यू 1, अगेन 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है। अब अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो इसको करने के दो ऑप्शन है, आप चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो ओनली इस पावर में, इस पावर को सेपरेट सॉल्व करना आपको क्योंकि तो फिक्स हो गया 5 बाय 6, तो इस पावर को सॉल्व करने के लिए 0 बाय 0 फॉर्म में दो ऑप्शंस है, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करोगे आप लेकिन वो 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में क्या रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि एक बार करोगे तो क्या होगा अब अगेन आ गया ना x माइनस 1 तो अगेन 0 और न्यूमरेटर भी आपका ऑटोमेटिक क्या बनेगा 0 सॉल्व करने पे, तो या तो ट्वाइस टाइम्स का क्या करो डिफरेंशिएशन, एक तो ये ऑप्शन है कर सकते हो उसे, और सिंपल मेथड क्या है जब भी 1 के साथ cos हो तो आप पहले 1 को रिमूव करो, मैं इसको सेपरेट बता देता हूं, आप इसको लिख दो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2, अरे पढ़ा है ना cos थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अरे इसी लिमिट को सॉल्व करना है, मान लो आप सेपरेट 1 से 1 कैंसिल तो क्या रह गया 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 बाय 2, और अब आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं, x को 1 लेने पे sin 0 की तरफ टेंड कर रहा है और x माइनस 1 भी आपका कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं ना, ये sin स्क्वायर दिस है मतलब sin स्क्वायर दिस है तो इसको अपॉन में क्या लिख सकते हो x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दो इसको, मतलब आपने क्या किया इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया क्वेश्चन बैलेंस, और जब इसमें लिमिट आप अगेन अप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया x को 1 लेने पे 1 माइनस 1 0 sin 0 अपॉन 0, तो इस 4 को इधर लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये क्या बन गया sin दिस अपॉन दिस का होल स्क्वायर, तो x को 1 लेने पे ये अगेन वैल्यू कंटेंड करेगी 1 की तरफ तो 2 अपॉन 4 इज 1 बाय 2, मतलब इस लिमिट को सॉल्व करने पे ये जो पावर की वैल्यू है वो क्या है 1 बाय 2, तो क्या आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 5 बाय 6, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, और चाहो तो आप ट्वाइस डीएल अप्लाई कर सकते हो उससे भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सिंपल है सीरीज को सॉल्व करना बाइनोमियल थ्योरम से, देखो एक बार लिख के दिखाता हूं मैं आपको, r को 0 लेने पे क्या आ गया 100c0 200c150 प्लस अगले में क्या होगा, देखो अभी तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आप सीधा सॉल्व करोगे इसको तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 150 प्लस 2r, इसका मीनिंग जब r की वैल्यू को चेंज करोगे इनका जो प्रीफिक्स है इनका सम तो ऑलवेज 300 है लेकिन जो सफिक्स है इनका सम ऑलवेज क्या करेगा वेरी करेगा, तो जब भी सफिक्स का सम वेरी करे तो ट्राई करो कि उस सम को कांस्टेंट बनाया जा सके, कांस्टेंट मतलब फिक्स कर सकते हैं क्या, तो देखो बेटा ये लिखने से पहले सिंपल ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ncr इक्वल टू nc n माइनस r, तो जो ये सेकंड टर्म है किसी एक में आप क्या करो इस ncr के फॉर्मूले को अप्लाई करो, क्या जाएगा r इक्वल टू 0 से 50 200 c n माइनस r, तो कितना जाएगा 50 माइनस r और फर्स्ट टर्म आपकी एडिटिव, अब देखो इनका सम ऑलवेज कितना होगा 50, तो आप r की लिमिट कुछ भी लो 0 1 2 3 जैसे 1 पुट करने पे क्या आ गया 0 200 c 50 100 c 0 प्लस r को 1 लेने पे ये आने के बाद, तो आपने r को 0 और 1 पुट किया देन डेडेस, अब जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपके क्या हो मल्टीप्लाई में हो तो देखो इसमें क्या होगा, एक बार तो आप क्या करो 1 प्लस x की पावर 200 का एक्सपेंशन लो और एक बार x प्लस 1 की पावर 100 का एक्सपेंशन, तो उनके मल्टीप्लाई में क्या होगा ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कब फाइंड आउट होगा, इसका सीधा शॉर्टकट मेथड है कि जब सफिक्स प्रीफिक्स का सम तो सेम है सब में और सफिक्स का सम भी सेम है, देखो इसमें 50 आ रहा है इसमें 50, तो आपको कुछ नहीं करना सीधा ncr का कोफिशिएंट लेना है, ncr का मतलब 200 और 100 तो क्या गया 300 cr, r मतलब 50, तो इसका क्या आंसर आएगा 300 c50, ये तो शॉर्टकट मेथड है इसका, क्या मेथड है शॉर्टकट आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये पैटर्न आप लिख सकते हो याद करने के लिए कि सिग्मा r इक्वल टू 0 से n जो भी है n उससे मतलब नहीं मेरे को, ये लेट आ गया n1 cr n2 c r1 r2
और लिमिट इस टाइप से है दोनों आर वन आर टू कि इनका सम फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड सम सी मान लिया, तो देन इस केस में सिंपल आंसर क्या लगोगे, एन वन प्लस एन टू सी, इसको क्या माने, ए मान लेते हैं, ये एन वन प्लस एन टू सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो सिंपल हो गया ना, इनका सम ऑलवेज कॉन्स्टेंट है 50, तो क्या आ गया 300 C 50, ये शॉर्टकट मेथड याद रखने का। और डेरिवेशन की बात करूं तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, क्या करो उसमें एक बार तो आप लिखो 1 plus x की पावर 200 का कोफिशिएंट, तो जब इसका कोफिशिएंट लिखोगे तो क्या आएगा 200 c0 plus 200 c1x डॉट डॉट डॉट, आपको क्या लाना है 200 c50, तो ऐसे जब आगे चलोगे तो क्या आएगा 200 c50 x की पावर 50, अगले में पावर कम होती जाएगी क्योंकि हमको तो 49 चाहिए, तो 49 इससे जस्ट प्रीवियस टर्म आने वाली है, ठीक है ना, और एक बार क्या लिखोगे x plus 1 की पावर 100 का कोफिशिएंट, तो x plus 1 की पावर 100 के कोफिशिएंट में क्या लिखोगे 100 c0 x की पावर 100, तो आपको क्या करना है कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट को लेके आना है, अभी मेथड जिसको प्रॉपर पता है वो ही कर सकता है इसको, ठीक है ना, तो देखो इधर आओ, आपको फर्स्ट टर्म ये लेके आनी है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 200 c 50, 100 c 0 x की पावर 150, तो अगली टर्म को भी करोगे आप तो उसमें भी क्या आएगा दिस इनटू x की पावर 150, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 plus x की पावर 300 में से आपको x की पावर 50 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कितना जाएगा 300 c 50, इस टाइप से क्वेश्चन को अपन को ट्राई करना, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो। चलो तो इसके अकॉर्डिंग अभी तो इसका कौन सा आंसर आएगा बोलो, फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है बेटा, Let x be very small as compared with unity such that x square and higher power can be neglected then this part equal to a plus bx then the value of n. ये आपका जो क्वेश्चन है ये Binomial theorem का क्वेश्चन है, बट n इंडेक्स के लिए, n इंडेक्स में क्या करते हैं कि जब भी n इंडेक्स के फॉर्मूले को आपको यूज करना है तो आप सबने पढ़ा होगा कि फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज 1 होनी चाहिए और जो सेकेंड टर्म है, जो भी सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू ऑलवेज -1 to 1 होनी चाहिए, पावर चाहे कुछ भी हो, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 plus nx plus n into n minus 1 2x, सबने पढ़ा होगा इसका एक्सपेंशन, ठीक है, तो क्वेश्चन में तो से बोला गया कि हायर पावर को नेगलेक्ट करना, मतलब x square and higher power can be neglected, मतलब अपन को ओनली 1 plus nx से मतलब ज्यादा आगे करना भी नहीं, ठीक है, तो देखो ब्लैक बोर्ड पे इसका मीनिंग तो क्या है, ये तो है बेटा 1 plus x की पावर 1/2, जिसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म आपकी 1 से लेस है और पावर 1/2 है, ये क्या है 1 minus x square की पावर 2/3, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और अपॉन में क्या है बेटा 1 plus x की पावर 1/2 plus 1 plus x, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो देन जब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा सीधा, क्या लिखना 1 plus nx, 1 plus n into x, सिंपल आ गया 1 plus x/2, हायर टर्म को लिखना नहीं क्योंकि वो तो जीरो की तरफ नेगलेक्ट होने वाली है, प्लस अगले में क्या आएगा 1 minus 2x upon 3, और सिमिलरली अपॉन की बात करूं तो अगेन 1 plus x/2 plus 1 plus x, तो बेटा इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ गया, देखो 1 and 1 तो आ गया 2, और 6 जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो सीधा लिख दो ना 3x minus 4x minus k x by 6 अपॉन अगेन 2 plus 3x by 2, बोलो इसमें किसी को डाउट है, एक बार देखना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3 इधर चला गया तो 3x minus 4x minus x by 6, ठीक है, ये आ गया, अब आपको फर्दर सॉल्व करना है क्योंकि ये n अपॉन d में आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसकी भी फर्स्ट टर्म 2 है, तो पहले n अपॉन d में 2 कॉमन लोगे आप, n अपॉन d में जब आप 2 कॉमन लोगे
तो n अपॉन डी में 2 कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन 12 और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 3x अपॉन 4, इसको न्यूमेरेटर में लेके आओ तो क्या आएगा 1 प्लस 3x अपॉन 4 की पावर माइनस 1, तो ये तो एडिटिव, इसमें अगेन फॉर्मूला यूज करो तो क्या जाएगा 1 प्लस nx, 1 एडिटिव प्लस दिस इज n दिस इज x, तो क्या आ गया सॉल्व करने पे 1 माइनस एक्स वाई 12 इंटू 1 माइनस 3x वाई 4, हायर टर्म को लिखना नहीं अपन को आगे, तो देन इसको आपको a प्लस bx की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो 1 को 1 से करने पे तो आ गया 1, 1 को सेकेंड टर्म से किया तो क्या आ गया 3x वाई 4 और इसको 1 से किया तो आ गया माइनस के एक्स वाई 12 और प्लस ये आ जाएगा 3 4 x स्क्वायर वाई 16, बट ये आपकी x स्क्वायर हायर टर्म है तो इसको तो नेगलेक्ट कर दो आप, तो सिंपल क्या आ गया 1 माइनस, इसमें जब आप 12 एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम लेने पे कितना आ रहा है 3 9, ये आ गया माइनस के 10x वाई 12, ठीक है, इस टाइप से इस सीरीज को अपन को सॉल्व करना है, तो देन ए तो आ गया 1 और बी आ गया माइनस के 10 अपॉन माइनस के 5 अपॉन 6, तो चलो देखते हैं, ए तो आ गया 1 और बी आ गया माइनस के 5 अपॉन 6, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो जब भी ये बोला हो कि x इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू हायर पावर एंड, तो देन क्या करोगे आप उसमें एनी इंडेक्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और एनी इंडेक्स के फॉर्मूले में दो चीज याद रखोगे कि जो x है वो माइनस 1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए और फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, बस उसके बाद सिंपल 1 प्लस nx अप्लाई करो, आगे की टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन दिस अपॉन दिस, तो ये भी आपका एनी इंडेक्स का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अपॉन में आ रहा है, तो देखो इसको ऐसे लिखो ना इक्वल टू न्यूमेरेटर में तो क्या रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दे अपन सीधा x स्क्वायर प्लस, तो ये दो तीन टर्म में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये इसको न्यूमेरेटर में लेके आओगे तो क्या आ गया 1 माइनस x की पावर माइनस 3, तो देन आपको इसमें से क्या करना है दोनों के मल्टीप्लाई में x की पावर 10 का करना है कोफिशिएंट फाइंड आउट, तो देखो इसका एक ऑफ बेटर हाँ x की पावर 10 लाना है तो अब इसको अपन को कम से कम 10 या 11 टर्म लिखोगे ना जब आप कोफिशिएंट को कर सकते हो फाइंड आउट, तो फिर तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्या करना है ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा शायद कि 1 माइनस x की पावर माइनस n में x की पावर r का कोफिशिएंट का फॉर्मूला, क्या लिखना है 1 माइनस x की पावर माइनस n में x की पावर r का कोफिशिएंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा याद करो n प्लस r माइनस 1 c r x की पावर r, ये x की पावर r का कोफिशिएंट है n प्लस r माइनस 1 c r x की पावर r, जिसमें n तो आपका दिस है और r आपका दिस है, तो देखो n तो इसमें फिक्स है ना 3, माइनस को मत देना क्योंकि जो माइनस का रोल था वो ऑलरेडी इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में हो चुका है, ये आप देखना n इंडेक्स के अंदर मिल जाएगा शायद, तो n को तो 3 फिक्स कर दो तो कितना आ गया 2, तो 1 हट गया ना प्लस r cr x की पावर r, अब आपको क्या करना है मतलब इसका जो फॉर्मूला बना जनरल टर्म का वो क्या आ गया 2 प्लस r cr x की पावर r, आपको दिस पार्ट और दिस पार्ट के मल्टीप्लाई में x की पावर 10 का करना कोफिशिएंट फाइंड आउट, तो देखो ये x स्क्वायर है आपका तो क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इक्वल टू, तो इसमें आपको x की पावर 10 का लेना है कोफिशिएंट, तो क्या करना है x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 10 आना चाहिए x की पावर 8 से, तो r क्या होगा 8, तो इसमें r को 8 पुट थ्रू किया जाएगा 10 c 8 फिर आ रहा प्लस, तो प्लस लगा दो ये 2, अब इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें दिस पार्ट में कि x की पावर 10 आना चाहिए, तो x की पावर 9 से करोगे तो r को 9 लोगे तो क्या जाएगा 9 11 c 9, बट 2 से करना मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 * 11 c 9 और दिस इज प्लस अगेन प्लस 1 है मतलब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 10 से, देन वी विल गेट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, r को 10 लेने पे क्या जाएगा 12 c 10, बस इनका समेशन करना फाइंड आउट, तो वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला याद रखें, जब भी आपको 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में एक्स की पावर आपका क्या करना है, कोफिशियंट फाइंड आउट, तो सीधा ये लगा सकते हैं। बट ये फॉर्मूला ओनली उसी केस में एप्लीकेबल है जब एन आप एन एंड आर बोथ आर इंटीजर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो ना एन एंड आर बोथ आर इंटीजर, उसके लिए ड्राइव किया गया बाद में। अरे यार सिंपल सी बात है, जो भी लिखा था ना 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, अगर एन और आर बोथ आर इंटीजर तो फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में आने वाला है, और एन और आर इंटीजर किसी एटलीस्ट वन ऑफ दी नॉन इंटीजर, तो आप नॉर्मली उसको एक्सपेंशन को ही सॉल्व करोगे, ठीक है चले, तो देन इसके गुणा भाग कर देना आप, ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। क्या बोला गया 11 में, द टर्म व्हिच कंटेन्स सेम डिग्री ऑफ ए एंड बी इन दिस पार्ट, मतलब आपको बताना है कि वो कौन सी टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन में जिसमें ए और बी दोनों की डिग्री क्या हो सेम। तो ये आपको सबको आना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आपको एनी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करें, कुछ भी काम करो आप, एक ही काम है अपने पास, उसकी सबसे पहले राइट करोगे जनरल टर्म। तो आप सबसे पहले लिखोगे इसकी टी आर प्लस वन टर्म, तो इसकी बेटा जो टी आर प्लस वन टर्म है वो क्या होगी, देखो 21 सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा ए अपॉन बी की पावर 1/3 की पावर 21 माइनस आर, तो सीधा 1/3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 21 माइनस आर बाई 3, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इनटू सेकेंड टर्म की पावर आर, तो सेकेंड टर्म क्या है वी अपॉन रूट ए, वी अपॉन रूट ए की पावर 1/3 की पावर आर, तो ये जाएगा आर बाई 3। यस सर, अब आपको करना क्या, इसमें क्वेश्चन बोला गया कि दी टर्म्स विच कंटेन सेम डिग्री ऑफ एन, मतलब ए और बी की पावर को सेम करना, एक काम करो ए की टर्म को सेपरेट कर दो, बी की टर्म्स को सेपरेट कर दो पावर को, तो ये आ गया बच्चों 21 सी आर, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे डायरेक्ट देखना, इससे तो आ गया ए की पावर 21 माइनस आर बाई 3, और ये आ गया बी की पावर दिस अपॉन में और बी की पावर बाई 3 न्यूमेटर में, इसको बाद में, इसमें अपॉन में क्या वाला है ए की पावर 1/2 की पावर आर बाई 3, मतलब दिस इज ए की पावर आर बाई 6, तो अपॉन में आएगा ए की पावर आर बाई 6, तो उसको न्यूमेटर में लागू किया जाएगा ए की पावर माइनस आर बाई 6, और बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल माइनस के आर बाई 6 ऐसे जाएगा सर। ये आने के बाद बी की पावर क्या होगी, देखो ये तो है बी की पावर आर बाई 3 और अपॉन में बी की पावर 21 माइनस आर बाई 3, तो इसको न्यूमेटर में लागू क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो देन इसको भी ऐड कर सकते हैं ना बेस इक्वल हो तो आर माइनस 21 बाई 3। अब इसी के बाद क्या बोला गया है कि ए एंड बी हैव द सेम पावर या डिग्री, तो इनको इक्वल करना दोनों को, तो सीधा कर देते हैं इक्वल, तो जब सेम डिग्री के लिए इसकी पावर्स को इक्वल करोगे तो क्या गया 21 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 6 इक्वल टू कितना, ये सिंपल हो गया ना, जब 3 एलसीएम लोगे तो 2r माइनस 21 बाई 3 2r माइनस 21 बाई 3, एक काम करो उसको 6 से कर दो मल्टीप्लाई, लफड़े खत्म, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा 42 माइनस 2r और ये अगेन माइनस 6 से करने पे r आ गया इक्वल टू 6 से करोगे तो 2, तो ये आ गया 4r माइनस के 42। यस सर, तो देखो फाइनली कितना आ गया, ये 2r और r माइनस के 3r, तो इधर आ गया 7r इक्वल टू 2 इंटू 42, तो r कितना जाएगा, देखो 7 इंटू 6 42 तो 14, तो r कितना आ गया, सॉरी 6 की 42 r आपका आ गया 12, तो r 12 आ गया, तो कुछ नहीं पूछा है डी टर्म्स विच, तो r को 12 पुट करने पे क्या जाएगा टी 13, मतलब आपकी जो 38th टर्म है स्टार्टिंग से जो 38th टर्म्स है उसमें a और b की डिग्री क्या होगी से, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन
करेक्ट होगा, बोलो कोई डाउट किसी को। चलो ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस पार्ट प्रोसेस एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट, मतलब दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट, इसका एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट है तो बताओ k का इंटरवल क्या होगा। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं भाई, सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं। तो एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट का मीनिंग क्या होगा कि एक रूट पॉजिटिव हो तो सेकेंड रूट आपका नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। एक तो केस ही होगा, और सेकेंड केस क्या होगा कि बोथ रूट आर पॉजिटिव। तो इसमें अपन 1 बाय 1 2 केसेस की बात करते हैं। तो एक काम करो ना, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अपन fx लेट कर दें कि लेट fx इक्वल टू, क्योंकि इसको लोकेशन ऑफ रूट से ट्राई करना है, तो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k माइनस 1 इनटू x प्लस k प्लस 5, ये आपका fx आ गया। अब इसमें देखो थोड़ा इंपोर्टेंट थिंग क्या है, इसमें जो f ऑफ 0 की वैल्यू वो 5 आ रही है आपकी, सॉरी f ऑफ 0 कितना आ रहा, k प्लस 5। एफ ऑफ जीरो आ गया k प्लस 5, ये लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात ये ध्यान रखें, बाय चांस ये एफ ऑफ जीरो कांस्टेंट होता, बाय चांस एफ ऑफ जीरो क्या होता कांस्टेंट, फिर तो फिर सुझाता है क्वेश्चन, जैसे लेट इसमें से की हटा दो एक मिनट के लिए, तो एफ ऑफ जीरो ओनली 5 होगा। तो एफ ऑफ जीरो अगर ओनली 5 है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती, या तो डायग्राम ऐसे बनता या फिर डायग्राम ऐसे बनता, मतलब इस केस में बोथ रूट्स आर नेगेटिव या बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बात को सुने। बट अभी तो क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू k प्लस 5 है तो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, तो ये डायग्राम वेरी कर सकता है। तो देखो अपने जो भी केस बोले थे मैंने आपको, वो टू पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दे आप, एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट्स के केस में तो क्या कर सकते हो, मतलब आप केस फर्स्ट और केस सेकंड अराइज करोगे। केस फर्स्ट तो क्या लिखो, Only one positive root. जब only one positive root आपने लिखा है तो इसका meaning क्या है? One root तो positive होगा, second root आपका negative हो सकता है या zero हो सकता है। मतलब इस केस में जो diagram वो कैसा रहा होगा? पहली बात तो x square का coefficient आपका positive है तो diagram upward parabola होगा। तो देखो, ये zero है ना? ये zero है लेट। तो एक possibility तो ये सकती है। तो देखो only one root positive, second is negative, मतलब इस केस में f of 0 आपका क्या होगा, negative। ये आप सबने पढ़ा होगा कि both roots are in opposite sign, इसका मतलब zero lies between the roots, number k lies between the roots, तो उसकी सीधी condition क्या है, sufficient condition f of k, a f of k less than 0। तो अभी a तो आपको पता है 1 है ना, तो सीधा f of 0 0 आ गया। जब भी ये थर्ड कंडीशन हो आपकी, मतलब k lies between the roots, तो उस केस में d greater than 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। जब जब ये पॉसिबिलिटी होगी ना f of 0 less than 0 अपर पैराबोला में, तो डायग्राम 100% इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट, तो d ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई। ठीक है, चलो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, सेकंड पॉसिबिलिटी इसी केस में क्या हो सकती है कि एक रूट तो आपका होना चाहिए पॉजिटिव और सेकंड रूट 0 भी तो हो सकता है ना यार। तो इस केस की बात करोगे आप तो f ऑफ 0 आपका 0 भी हो सकता है, तो इस केस में तो लिखना ही है f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा जब आप f ऑफ 0 लेस देन 0 करोगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, k प्लस 5, तो इसके रिगार्डिंग तो क्या जाएगा, k प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 देन k लेस देन इक्वल टू माइनस 5। तो एक आंसर तो इससे आ गया केस फर्स्ट से, केस फर्स्ट से दिस आंसर आने के बाद अब अपन को बात करनी है केस सेकंड, तो करें ट्राई। तो देखो केस सेकंड में क्या होगा, इसको अपन किधर लिखें, लिख लेंगे जरूर, ठीक है ना। केस सेकंड में क्या लिखोगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो जब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव की बात करोगे आप, इधर लिख लेते हैं, केस सेकंड इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो देखो डायग्राम का बिहेवियर कैसा रहा होगा, सवाल ये लेट आपका जीरो है तो
दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका डायग्राम या तो ये पॉसिबल होगा या टच भी कर सकता है, पॉजिटिव है लेकिन इक्वल हो सकते हैं। तो दिस केस में इसकी थ्री कंडीशंस होंगी, कौन कौन सी, ये डायग्राम किसका एफ एक्स का, तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव, तो एक कंडीशन तो लिखोगे एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन, इसके वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस के वी बाई टू ए, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो माइनस के वी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन जीरो। और थर्ड कंडीशन इज अगेन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें इन ऑल थ्री कंडीशंस को सॉल्व करके उसका क्या लोगे, कॉमन पार्ट, उसे कॉमन लेना, तो उससे एक आंसर इससे जाएगा और एक आंसर आपका ये ऑलरेडी आ ही चुका है, आंसर नंबर ए। तो चलो अपन एक काम करते हैं, एक मिनट लगेगी इसको सॉल्व करके, इधर कर लेते हैं सॉल्व। देखो f ऑफ जीरो पॉजिटिव, तो f ऑफ जीरो क्या है, k प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग तो आ गया k ग्रेटर देन, इधर लिख देते हैं k ग्रेटर देन माइनस फाइव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस b अपॉन टू ग्रेटर देन जीरो, देखो माइनस b, b की वैल्यू तो क्या पुट करोगे, ट्वाइस ऑफ k माइनस b, तो आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ k माइनस b, और a आपका बने तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल, हटाओ उसको, इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस को शिफ्ट किया तो क्या जाएगा, k माइनस वन लेस देन जीरो, देन k लेस देन वन, इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस आने के बाद एक काम करोगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो d का मतलब b स्क्वायर माइनस फोर, इसे क्या आ गया 4, k माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर एज वन, और k c इज k प्लस फाइव, तो देखो 4 से 4 तो कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट इन k स्क्वायर माइनस टू के माइनस के माइनस के थ्री के और प्लस वन और फाइव, सॉरी प्लस वन, प्लस वन और माइनस फाइव इज माइनस के फोर ग्रेटर देन जीरो। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो आप, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, k माइनस फोर के प्लस वन, लिख देते इधर k माइनस फोर के प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये माइनस वन पे जीरो है, फोर पे जीरो है, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट आएगा। देखो अब ऑल थ्री का कॉमन डायरेक्ट लिया जाएगा, ये कह रहा है फोर से बड़ा, ये कह रहा है माइनस वन से बड़ा, तो सिंपल सी बात है, सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है, वन से ग्रेटर, तो वन कहीं इधर होगा ना, तो वन से लेस लेना मतलब इधर वाला पोर्शन लेना है, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। कि कह रहा माइनस फाइव से ग्रेटर, तो देखो इसी पे कॉमन ले लिया सीधा, माइनस फाइव इधर होगा तो उससे लेस लेना है, तो ये वाला पोर्शन आ गया, और ये पॉजिटिव वाला लेना है तो कौन सा जाएगा, ये वाला रीजन आ गया, मतलब ये दिस रीजन होगा आपका, तो रीजन कितना होगा, माइनस फाइव से माइनस वन, ठीक है, ऑल थ्री का कॉमन लेना है आपको, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा के बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस वन। माइनस फाइव पे ओपन लगाना है और माइनस वन पे क्लोज लगाना है, क्योंकि माइनस वन इसकी वजह से इक्वल टू की वजह से, ये आ गया आंसर नंबर बी। तो जब भी केसेज से आंसर होंगे उनका क्या लेते हैं बाद में, यूनियन, तो ए को बी के साथ जब एक साथ लिखोगे ए यूनियन बी, तो क्या है आंसर, के बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस फाइव से माइनस वन, तो माइनस फाइव पे क्लोज है और दोबारा स्टार्ट हो रहा है आपका, तो दोनों को जब एक साथ मर्ज करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो ना माइनस इनफिनिटी से माइनस के, ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट ड्रीम कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी एज माइनस टू इन स्टेड ऑफ टू, मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है, एक ए पी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस टू है, उसको गलती से क्या पढ़ लेता है, माइनस के टू, एंड सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म इज एज फाइव, और वो फर्स्ट फाइव टर्म का जो सम है वो कितना गोट करता है, माइनस के फाइव, देन एक्चुअल सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म। तो देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जब उसने कॉमन डिफरेंस को गलत रीड किया है तो उसने उसका जो फर्स्ट टर्म उसको तो सही रीड किया होगा, ओनली उसने कॉमन डिफरेंस को रॉन्ग रीड किया है। तो देखो क्या करो कि लेट उस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है उसको तो कैलकुलेट कर दो ए, तो जब उसने कॉमन डिफरेंस को गलत रीड किया है, उसने कॉमन डिफरेंस को गलत रीड किया, वो कितना रीड किया, माइनस के टू, तो उस केस में उसका सम कितना है, माइनस फाइव, तो फाइव टर्म का सम माइनस फाइव लिखो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन वाई टू टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो सबकी वैल्यू पुट कर दो, फाइव टर्म का सम तो कितना है माइनस फाइव, एन इज अगेन फाइव अपॉन टू आ गया, ए आपका ए रखना है, एन माइनस वन फोर आ गया और डी आपका माइनस के टू, ये लो। तो देन इसको सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या आने वाला है, ये फाइव से फाइव चला गया, इस टू से टू कैंसिल आओ, तो देन क्या रह गया माइनस वन इक्वल टू, हटाओ सबको, ये आ गया बेटा a माइनस के फोर, इंप्लाइज दैट इससे a इक्वल टू क्या आ गया थ्री। इसका मीनिंग उस रीच की जो फर्स्ट टर्म है वो थ्री रही होगी, फर्स्ट टर्म थ्री है, कॉमन डिफरेंस उसने रॉन्ग गलत रीड किया था माइनस टू, तो उसका सम आ गया माइनस के फाइव। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ दी एक्चुअल फाइव टर्म, दो फाइव टर्म्स थी उसकी एक्चुअली, उनका सम क्या होगा, तो अगेन क्या लोगे फाइव टर्म का सम है फाइव बाई टू टू ए, ए तो कितना है थ्री प्लस एन माइनस वन फोर, और अब कॉमन डिफरेंस क्या है टू, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस उसका एक्चुअली कितना था टू, तो देखो सम क्या रहा होगा, ये टू से टू कैंसिल आओ, तो फोर और थ्री सेवन, सेवन इंटू फाइव थर्टी, मतलब उसका एक्चुअल जो समय फाइव टर्म का वो क्या होगा थर्टी फाइव, तो उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट ए एंड बी की nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर, एक जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की जिसमें ए एन का मीनिंग क्या उसकी nth टर्म है, a1 a2 a3, लेट अल्फा का मीनिंग क्या सिग्मा ऑफ दिस पार्ट, बीटा का मीनिंग सिग्मा ऑफ दिस पार्ट, देन कॉमन रेशियो इज, तो देखो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, तो अपन एक जीपी लेट कर देते हैं ए आर ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ध्यान रखना माइंड में। तो देखो इससे अल्फा का मीनिंग तो क्या जाएगा, जब सिग्मा ओपन करोगे आप तो सिग्मा ओपन करने पे क्या आएगा, देखो ए टू प्लस ए फोर और डॉट 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 ए टू हंड्रेड, तो इसका मीनिंग क्या है, ए टू का मीनिंग ये वाली टर्म होगी, ए फोर का मीनिंग अगली टर्म है, इन सबका सम चाहिए। तो देखो टोटली कितनी टर्म, वन से लेकर हंड्रेड तक, ये टोटल हंड्रेड टर्म्स हैं जिसकी फर्स्ट टर्म ए आर है, मतलब ए टू आपकी ए आर है लिख देते हैं, और फोर्थ टर्म क्या होगी ए आर क्यू, तो देखो जीपी है ना आपकी, तो जीपी की हंड्रेड टर्म का सम क्या होगा, एल्फा इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज ए आर कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर हंड्रेड करो तो क्या आ गया आर की पावर टू हंड्रेड माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन, ये तो आ गया आपका एल्फा। सिमिलरली जब बीटा की बात करोगे आप तो बीटा का मीनिंग क्या होगा, वो राइट लिखा जाएगा, बीटा का मीनिंग क्या, देखो इसमें बीटा का मीनिंग क्या है, एन को मान लोगे तो ए वन प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन, तो ए वन का मीनिंग तो क्या फर्स्ट टर्म ये, और ए थ्री का मीनिंग क्या है ए आर स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो अगेन आर स्क्वायर, तो अगेन क्या लगोगे फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन रेशियो आर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्म्स इज अगेन हंड्रेड, तो क्या आ गया आर स्क्वायर की पावर हंड्रेड है, आर की पावर टू हंड्रेड माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन। तो देखो आपको क्या चाहिए, आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मतलब ए को एलिमिनेट करना अपन को, तो देखो सिंपल सी बात इसमें क्या करना है, आप सिंपल इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया अल्फा अपॉन बीटा, और डिवाइड करने से देखो बात को सॉल्व, ये जो पार्ट है आपके ब्रैकेट वाला इस दोनों में पार्ट कॉमन सेम है, तो सीधा कैंसिल आउट, तो ए आर अपॉन ए सिंपल क्या आ गया आर, तो इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो कितना होगा अल्फा अपॉन बीटा, तो देन इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव जीपी गिवन है आपको विद कॉमन रेशियो आर, जिसका कॉमन रेशियो आर है, दी वैल्यू ऑफ आर देन दी वैल्यू ऑफ आर फॉर विच दी इनइक्वलिटी ऑफ दिस पार्ट होल्ड्स कैन नॉट लाई, मतलब आपको ऑप्शन में कौन सा इंटरवल है जो लाई नहीं करता है वो बताना आंसर, तो अपन देख लेते कैसे आएगा, तो सिंपल मेथड है, फर्स्ट टर्म ए वन को ए लेट कर दो, सेकेंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को, क्योंकि अपन को आर से मतलब है ना, तो अपन ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू पुट कर दो, तो ए वन की वैल्यू तो क्या है ए, ए थ्री की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है ए आर, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया ए आपका पॉजिटिव है, ए वन का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव है तो सीधा ए से कैंसिल कर सकते हैं इनइक्वलिटी में, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी ए तो ए से ए को कैंसिल करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या रहेगा नाइन प्लस
फाइव आर स्क्वायर माइनस 14 आर ग्रेटर देन जीरो, तो इसके चलो फैक्टर कर दो, 5 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो, तो 9 × 5 = 45 हो गया सेट। तो क्या आएगा देखने के बारे, ये आएगा शायद 5 आर माइनस 9 सही है। तो देखो इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, ये 1 पे 0 है, 9 अपॉन 5 पे 0 है, अपन को आंसर इससे लेस लेना है, इससे बड़ा है ना पॉजिटिव वाला पार्ट, तो कौन सा नहीं लेना ये वाला पार्ट, तो r not belongs to 1 से 9 अपॉन 5 ये इसमें इनबिल्ट नहीं होगा, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सी इनइक्वालिटी सॉल्वेशन। तो इसमें लिखना मस्त था कि फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव है, अदरवाइज इसके आंसर फिर तो आंसर आ जाएगा, इसको हटा दिया तो एक केस में आंसर प्लस वाला होगा, दूसरे केस में माइनस वाला, तो ऐड करने पे आ जाएगा आंसर। ठीक है चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस आर इन एपी वेयर वी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 देन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा सी आर इन, तो बताओ ए 1 अपॉन बी सी किस में होंगे, एपी जीपी एचपी में। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म आपकी एपी में, तो ये पढ़ाया ना अपने सेकेंड टर्म का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म, तो ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस बी सी। अब देखो इसमें मेन केस क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चे क्या करते हैं सर कर दो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, दिक्कत क्या रही है, नहीं क्या करो उसमें ये डबल बी है ना, तो एक बी को उधर शिफ्ट कर दो और इनमें से किसी भी एक टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो आप, तो उससे सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी आपकी। तो चलो अपन लिखते हैं बी, इसमें से इसको ले आओ, किसी भी एक टर्म को लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, और ये आ जाएगा ए प्लस वी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस के बी। ये सब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस ही पता चलता है मेरा, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होगा, जब एलसीएम लोगे तो देखो वी आ गया, बी से बी चला गया, तो क्या रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी माइनस के सी अपॉन 1 माइनस के बी सी इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाई, तो माइनस बी से बी चला गया तो हटाओ, तो माइनस ए प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी। ये लिखने के बाद थोड़ा दिख गया होगा शायद आपको, इस न्यूमेरेटर में जब माइनस सी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया बी स्क्वायर प्लस 1, क्या गया बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी सी इक्वल टू, इसमें ए कॉमन लोगे तो अगेन आ गया बी स्क्वायर प्लस 1। देखो मजा आ गया ना, ये बी स्क्वायर प्लस 1 इसमें क्या होगा कैंसिल होगा, जनरली इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन लोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें दो केस बन जाएंगे बाद में, बी स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन लोगे तो एक तो आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस सी अपॉन लिख देते हैं माइनस सी अपॉन 1 माइनस बी सी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बी। चलो इसको एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फुर्ती से, तो क्या जाएगा माइनस के सी प्लस के ए बी सी इक्वल टू ए माइनस के ए बी सी, तो देन इससे आ गया 2 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस सी, क्या आ गया बोलो 2 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस सी। तो जब आप इसको 2 ए सी से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया बी इक्वल टू ए सी अपॉन सॉरी 2 ए सी से डिवाइड करने पे आ गया बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 ए सी, और जब इसका रेसिप्रोकल लोगे आप क्या लोगे रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा 1 अपॉन बी इक्वल टू 2 ए सी अपॉन ए प्लस बी। तो एक बात बताओ अगर ए बी सी आपके एच पी में हो तो कंडीशन क्या होगी b इक्वल टू 2 ए सी अपॉन ए प्लस बी, तो 1 अपॉन बी आर एस का मीनिंग ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा सी आर एन एच पी, तो ये किसमें होंगे बोलो एच पी, इसने यही लिखा है ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा सी आर एन एच पी, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आ रहा है ना बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वैसे लॉजिकली तो पता है कि पॉजिटिव प्लस 1 कभी 0 तो हो नहीं सकता, उसको हटा दो आप। ये जो क्वेश्चन था ना इसमें ये बेटा शायद बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा मेरे को, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ए बी सी आर रियल नंबर है ए बी सी, क्योंकि जो ए पी जी पी एच बी है वो इमेजिनरी भी तो हो सकती है ना,
तो एबीसी आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। तो इसमें लिखना चीज को बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो इसको लिखो बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसलिए इसको मना किया गया। इसको तो लिखने का मतलब ही क्या है कि बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का। ठीक है, बोलो कोई डाउट किसी को। चलो और क्या है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन 17 क्या है, if the sum of n terms of 2ap each are in the ratio this upon this, then ratio of their fourth term, मतलब two different APs हैं आपकी, उन different APs की n term का summation का ratio given, तो एक काम करो ऐसे लिखो कि let first AP की n term का sum Sn है और second AP की n term का sum Sn dash है। ये क्या given है आपको, 1 plus 4n upon 1 plus 2n, ये ratio given है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, उनकी फोर्थ टर्म का रेशो, मतलब आपको T4 अपॉन T4 डैश करना है फाइंड आउट। तो एक काम करो, जो आपकी फर्स्ट एपी है उसकी फर्स्ट टर्म A1 लेट करो, कॉमन डिफरेंस D1 लेट करो। तो क्या लिख सकते हो, A1 प्लस N माइनस 1 3D1 TN टर्म का फॉर्मूला, और ये जाएगा A2 प्लस 3D2, इसकी वैल्यू जिस अपॉन इसका रेशो चाहिए आपको। तो देखो AP की जो फर्स्ट AP है उसकी n टर्म का सम क्या लिखोगे, ny2 2a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d1, यस सर, अपॉन इसमें भी क्या आएगा ny2 अगेन ब्रैकेट में 2a1 प्लस n माइनस सॉरी 2a2 n माइनस 1 अपॉन d2, दिस अपॉन दिस का रेशियो गिवन है 1 प्लस 4n upon 1 plus 2n, बोलो आया ना। अभी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इस टाइप की क्वेश्चन एक बार तो आईटी में आ चुका, दो तीन बार जे में इसने बार बार रिपीट किया अलग अलग तरीके से। ठीक है, जब भी आपको टू डिफरेंट एपीज की n टर्म का समेशन का रेशियो गिवन है और एनी टर्म का रेशियो पूछे तो उसका बहुत बेस्ट ऑप्शन क्या है ब्लैक बोर्ड पे, जब उसमें क्या होगा ये किससे कैंसिल आउट होगा। अरे एक बात को सोचो ना, क्या आप इस सिंगल रिलेशन से a1 d1 a2 d2 की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो क्या, फाइंड आउट नहीं, क्योंकि रिलेशन सिंगल है और वेरिएबल चार हैं, तो कुछ अपन को दिमाग तोड़ाना है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे ये जो अपना पार्ट है ये क्या है, a1 plus 3d1 upon a2 plus 3d, तो a1 a2 d1 d2 फिक्स है, ये 3 आ रहा है ना, इस पे गौर करना है आपको। तो देखो ये कैंसिल करने के बाद मैं काम कर सकता हूं उसमें, ये इन दोनों में से आप 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लेने से 2 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या जाएगा, देखो a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 ऑफ d2, यस सर, और इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 4n अपॉन 1 प्लस 2। अब देखो थोड़ा फुर्ती दौड़ाओ उस इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से थोड़ा कंपेयर करने की ट्राई करते हैं अपन, इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को मतलब दिस पार्ट लेके आना आपको। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी a1 / a2 मतलब ये a1 ये a2 फिक्स है, d1 d2 फिक्स है, ओनली क्या करना है, ये भी आपका 3 आना चाहिए, ये भी आपका 3 आना चाहिए। तो क्या करो, या तो n की ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे 3 आ जाए, या फिर इसको 3 के इक्विवेलेंट मान लो, दिक्कत क्या है। तो क्या करना है, इसको 3 लेट करोगे आप 6 7, तो n क्या आ गया 7, मतलब जब आप फर्स्ट इक्वेशन में n को 7 पुट करोगे तो क्या जाएगा, a1 plus 3d1 upon a2 plus 3d2 equal to, इसमें भी 7 पुट कर दो तो 7 4 28 29 upon 15, तो जो फोर्थ टर्म है उनका रेशियो क्या होगा, 29/15। तो देन इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है क्या, हाँ 29/15 इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है, सिंपल सा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, AR greater than zero, मतलब ये जो टर्म्स है आपकी AP की A1 A2 AN, ये सारी कैसी पॉजिटिव टर्म, क्यों बोला गया पॉजिटिव, दिख रहा है आपको, ये देखो सब रूट के अंदर है A1 A2 AN, इसलिए इसको पॉजिटिव रखना मस्ट है। देन द सम ऑफ दिस पार्ट इज, और आंसर इनकी टर्म में आ रहा है, देखो कैसे करना है, इधर आओ, जब भी टर्म्स आपको समझ, देखो ये नाइदर AP नॉर GP नॉर्मल कोई सीरीज नहीं है कि जिससे फॉर्मूले से कर सके। जब भी आपको सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन ईच टर्म को
आप दो पार्टों में स्प्लिट करो, वो भी डिफरेंस की टर्म में, माइनस की टर्म में। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप ईच टर्म को टू पार्ट में क्या करोगे, स्प्लिट करोगे डिफरेंस की फॉर्मेट में, तो उस केस में क्या होगा, कुछ केसेज में या कुछ क्वेश्चंस में सेकेंड टर्म आपकी थर्ड से कैंसिल, फोर्थ फिफ्थ से कैंसिल, तो स्टार्टिंग में एक टर्म बचती और एक लास्ट में टर्म। इसको बोलते हैं ट्रांस टेलीस्कोप सीज का क्वेश्चन है एक तरीके से। ये प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप सीज है, मतलब ईच टर्म को आप टू टर्म के डिफरेंस में रिप्रेजेंट करोगे तो वो टर्म क्या होंगी, वन बाई वन कैंसिल आउट होंगी। तो स्टार्टिंग में एक टर्म बचती है, लास्ट में एक टर्म बचती है, कभी कभार दो दो टर्म भी बच जाती है स्टार्टिंग लास्ट में। तो देखो यही थीम अपन को अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करोगे आप, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा ढंग से देखना आप इसको। देखो इधर आओ, ये आप सबने पढ़ा होगा, ये जो एपी आपकी वो A1, A2, A2N है, ये टोटल 2n टर्म्स है। तो आप सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग से कि दी टर्म, सॉरी कि इन एन एपी एन अगर आपका इवन है तो सम ऑफ दी टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल, स्टार्टिंग और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म है उनका समेशन ऑलवेज इक्वल होगा। जैसे लिख के देख लो ना यार, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सिस्टम है, फर्स्ट और लास्ट का सम 7 आ रहा है, सेकंड लास्ट का सम 7, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम 7। तो इसका मीनिंग क्या आ गया अपना कि A1 और लास्ट टर्म क्या है A2N, इसका सम A2 प्लस A2N माइनस 1 क्या होगा इक्वल, मतलब A1 प्लस A2N A2 प्लस, तो ये सम आपका इसके इक्वल है, ये सारे सम एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब इन सबको मैं क्या मान सकता हूं A1 प्लस A2N। तो इस सम में A1 प्लस A2N क्या आ गया, एक तरीके से कॉमन आ गया। तो चलो अपन लिख देते हैं, इधर लिखते हैं इसको, A1 प्लस A2N तो आ गया आपका कॉमन, ये सारा सम, ये जो पार्ट है सब ये सेम होंगे आपके, तो कॉमन आ गया A1 प्लस A2N, इक्विडिस्टेंस से टर्म का सम ऑलवेज इक्वल होगा। अब क्या बचे, लिख देते हैं 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2, और एक टर्म और लिख देते समझाने के लिए, 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3, ये सर, और एक लिखते हैं अपन लास्ट टर्म है, क्या लास्ट टर्म इसकी, 1 अपॉन रूट An प्लस रूट ऑफ, ये भी अगर आपको किसी को पता हो तो ये भी IIT JEE में क्वेश्चन है, बहुत पुराना, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, पहले सबसे पहले करते हैं ईच टर्म का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं बोलो, रैशनलाइजेशन। तो एक काम करो, सीधा लिखा जाएगा इसके बाद, सिंपल सी बात है, इसको रूट A2 माइनस रूट A1 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या कर दो, रूट A1 माइनस रूट A2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्या आ गया, A1 प्लस A2N, तो एज इट इज है बाहर, इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रूट A1 माइनस के रूट A2, और जब अपॉन में दिस पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, A प्लस B इंटू A माइनस B, दिस इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या जाएगा A1 माइनस A2, क्या आ गया बोलो, A1 माइनस A2। सिमिलरली इसमें भी क्या करो, रूट A2 माइनस रूट A3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमेरेटर में तो आ गया बेटा रूट A2 माइनस रूट A3, और अपन में अपॉन में A प्लस B इंटू A माइनस B, तो अगेन A2 माइनस A3 आ गया, और ऐसे प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। तो लास्ट में क्या होगा, रूट An माइनस रूट ऑफ An प्लस 1 अपॉन An माइनस An प्लस 1। तो उसको रैशनलाइजेशन करने से इसमें दो चीज मिली मेरे को, एक तो क्या मिला कि A1 माइनस A2 क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड का डिफरेंस, तो फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। अरे एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो सारे क्या है, ये भी माइनस डी, ये भी माइनस डी, और ये भी माइनस डी, फर्स्ट माइनस सेकंड का डिफरेंस माइनस डी, सेकंड माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस माइनस डी, मतलब इस डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या, माइनस के डी है, तो बेटा माइनस के डी तो आ गया कॉमन, तो क्या रहेगा, A1 प्लस A2N अपॉन माइनस डी, और ब्रैकेट में आ गया कितना, देखो देखो अब माइनस डी कॉमन लोगे तो क्या रह गया, रूट A1 माइनस रूट A2 प्लस रूट A2 माइनस रूट A3,
प्लस रूट ए थ्री माइनस रूट एट फोर। तो आपको दिख गया होगा सबको, देखो जब ये कॉमन लिया तो देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये इसकी वाली टर्म इससे कैंसिल, इन सब में बड़ी कौन है, ए एन प्लस वन, तो ये वाली इसी प्रीवियस से कैंसिल आउट, तो क्या रह गया ये रूट ए वन माइनस रूट ए एन प्लस। अब इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है और माइनस डी हो रहा है, देखो क्या करना है इसके लिए, जो ऑप्शन है ना उसमें ए वन ए टू एन और एन का रोल है, ये ए एन प्लस वन और ए वन का रोल नहीं है, तो एक काम करो ना ए वन इस ए पी की फर्स्ट टर्म है, ए टू सेकेंड टर्म, और बीच में आ रहा है ए एन प्लस वन टर्म, इन्हीं से मतलब मेरे को ये, तो टोटल कितनी टर्म है एन प्लस वन टर्म, तो लिखा लिख सकते हैं ना लास्ट टर्म ए एन प्लस वन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो एन माइनस वन का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एन प्लस वन माइनस वन, तो एन ऑफ डी। तो इससे अगर आप बात करो तो एक काम करो ना, इससे आप बेटा कुछ गड़बड़ी कर दी, हाँ ठीक है ना, इसके बाद क्या करना अपन, इससे d की वैल्यू क्या ले सकते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए वन अपॉन एन, हाँ या ना, तो देन अपन इस स्टेप को यूज कर सकते हैं। तो एक काम करो उसमें सबसे पहले इसका अगेन क्या करना है रैशनलाइजेशन, इसका अगेन क्या करना है रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट हटाना है इसमें से, तो इसको हटा दे नीचे से, चलो अब जो गुणा भाग है वो करनी पड़ेगी, इसमें क्या करें, तो ये आ गया ए वन प्लस ए टू एन अपॉन डी, एक काम करो सीधा माइनस भी हटा दो उसमें से, तो माइनस को हटाओगे आप तो क्या आ जाएगा ये रूट ए एन प्लस वन माइनस रूट ए एन, तो इसका कॉन्जुगेट तो क्या होगा अपॉन में बोलो रूट ए एन प्लस वन प्लस रूट ए वन, तो दिस प्लस दिस, और न्यूमेटर में क्या दिस माइनस दिस, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा ए एन प्लस वन माइनस के एम, ये सारा काम हो गया एक साथ। अब आप देखो ढंग से ए एन प्लस वन माइनस ए वन, ए एन प्लस वन माइनस ए वन, एक काम करो सिंपल एन को क्यों लो आप सीधा एन को उधर रखो डी को उधर रखो ये लो, तो ए एन प्लस वन माइनस ए वन अपॉन डी, इसकी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो उसमें डी सॉरी एन, इसको एन लेने पे आ गया एन ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू एन अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट प्लस रूट ऑफ दिस पार्ट, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस सर, कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, सेकंड ऑप्शन आ गया एन ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टू एन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन प्लस वन, ठीक है। तो ऑप्शन को साथ के साथ देखते चलो तो आपको दिख जाएगा कि भाई अपॉन में देखो दोनों में रूट आ रहा है, तो मैंने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, तो ये इसमें थीम यूज करनी थी। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ स्टेप एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लेस देन इक्वल टू एक्स और एफ एक्स फंक्शन गिवन है इच कॉन्टिन्यूस एट, तो बताना ये फंक्शन किस पॉइंट पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, तो चार पॉइंट है 0, 1, 2, 3, तो आपको 1/1 इस पे क्या करना है चेक करना है। बट इस क्वेश्चन में एक मेन पार्ट क्या देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब इसकी डोमेन की बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो स्टेप एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, देन स्टेप एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब आप ये बताओ एक्स का कौन सा इंटरवेल लोगे जिसका स्टेप माइनस वन आना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जब आपकी क्या होगी माइनस वन से ओपन जीरो, तो उसका जो स्टेप है वो हमेशा माइनस वन होगा, मतलब इसकी डोमेन में x माइनस वन से जीरो नहीं हो सकता, जीरो पे ओपन है, इसका मीनिंग जो आपका ये जीरो है ना, तो जीरो पे केवल f ऑफ जीरो और उसका RHL चेक करोगे, LHL चेक नहीं करना है, क्योंकि f ऑफ जीरो माइनस तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद बाकी तो सब कुछ सेम है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे पहली बात तो देखो इसका कार्यक्रम फिनिश करते हैं, x चाहे कुछ भी होना ये स्टेप x प्लस टू एक इंटीजर होगा, क्या होगा स्टेप x प्लस टू आपका ऑलवेज इंटीजर होगा, और ये इंटीजर जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो इस बन गया साइन एन पाई, और साइन एन पाई की वैल्यू ऑलवेज कैसे होगी जीरो, तो इसको हटाओ उसमें से टाइम बच जाएगा अपना, तो सिंपल आपका फंक्शन रह गया बेटा एफ एक्स इक्वल टू स्टेप x, सुनो केयरफुली, साइन पाई अपॉन, ये दोनों चीज सेम है, ये आपको पता होगा सबको
स्टेप के अंदर अगर इंटीजर पार्ट है तो उसको सीधा स्टेप से भाग ले सकते हैं, तो उसको सिंपल ले सकते हैं अपन, स्टेप एक्स प्लस वन अपॉन जी आई फंक्शन प्लस, तो डोमेन दोनों की सेम है क्योंकि दोनों एक ही जैसी चीज है, ठीक है। अब आप थोड़ा गेयरफुली देखना ब्लैक बोर्ड पे, पहले जीरो पे देख लेते हैं फटाफट। जीरो पे बात करोगे तो एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करोगे आप, तो देखो एफ ऑफ जीरो तो सिंपल क्या जाएगा, एक्स को जीरो लो, जीरो पे वन, साइन पाई जीरो, जीरो का स्टेप जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तो आ गया जीरो। फिर उसके बाद अगर एफ ऑफ जीरो प्लस की बात करोगे आप तो ब्लैक बोर्ड से देखो, जीरो प्लस का स्टेप जीरो तो ये वन आ गया, जीरो प्लस का स्टेप जीरो तो पाई साइन पाई जीरो, और जीरो प्लस का स्टेप अगेन जीरो तो फाइनली जीरो। इसका मतलब जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो आंसर तो मेरा फोर्थ आ गया। अब होता क्या है कि बच्चे जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे फिर सेकंड फिर थर्ड और फोर्थ, यही करते हैं बेसिकली, ठीक है ना, ध्यान भी रखना। इसमें ये लिखना मस्ट इसलिए जरूरी था, अगर आप ये डोमेन को अप्लाई नहीं करते तो आप तीनों काम करते ना, आप जीरो पे वैल्यू देखते, जीरो प्लस पे देखते और जीरो माइनस पे। तो देखो जब आप इसकी जीरो माइनस पे वैल्यू देखोगे तो देखो क्या गड़बड़ी आने वाली है, जीरो माइनस का जब स्टेप लोगे तो माइनस में बन जाएगा, तो आपको दिख भी जाएगा कि माइनस बना गया तो इसका क्या करें, तो आप बोलोगे सर ये तो इनफाइनिट की तरफ टेंड करेगा, तो सर अलग अलग आ गया तो मामला गड़बड़ा गया। बट इसकी डोमेन के अंदर, क्योंकि जो भी कुछ फंक्शन में कार्यक्रम करते हैं वो उसकी डोमेन में बात करते हैं अपन, ठीक है ना, तो जीरो माइनस पे चेक नहीं करना, ठीक है, तो ये क्या इसलिए लिखना मत। अब आप कोई सा भी लेके देख लेना, वन टू थ्री, जैसे आपने लेट वन की बात की ना, देखो वन के एक्सपेक्ट में तो क्या जाएगा, वन साइन पाई बाई टू वन, ये वन टू आ गया तो ये सीधा वन बाई टू आ जाएगा, मतलब जब एक्स को वन पुट करोगे तो क्या आ गया, वन बाई टू। और अब आप सिंपल सी बात देखो ना यार, स्टेप एक्स, ये सब तरफ स्टेप एक्स है, स्टेप एक्स आपका ऑलवेज इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होगा, तो ये इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है तो साइन तो आपका, जब आप इसको स्टेप को इंटीजर लोगे ना वन टू थ्री, तो ये तो आपका ऑलवेज कंटीन्यूअस आने वाला है, कोई वैल्यू लेके देख लो, लेकिन ये स्टेप एक्स आपका नॉन जीरो होगा वन टू थ्री फोर फाइव पे, तो देन ये मल्टीप्लाई होके दोनों पे डिफरेंट वैल्यू देगा, वन पे वन प्लस और वन माइनस पे, तो ये वन टू थ्री पे हमेशा क्या आने वाला है, डिसकंटीन्यूअस आने वाला है, ठीक है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको करने का प्रॉपर मेथड ये है कि ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये फंक्शन ओनली इंटीजर पे ही डिसकंटीन्यूअस हो सकता है, जो सस्पिशियस पॉइंट है वो क्या होंगे, ओनली इंटीजर, क्योंकि एक्स अब जब आपका नॉन इंटीजर होगा तो नॉन इंटीजर पे स्टेप एक्स भी आपका कंटीन्यूअस है, ये स्टेप एक्स अगर कंटीन्यूअस है तो साइन ऑफ दिस पार्ट इज कंटीन्यूअस, दिस पार्ट इज आल्सो कंटीन्यूअस, तो एक्स अगर आपका नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो उस केस में ये ऑल थ्री फंक्शंस आर कंटीन्यूअस, तो उसका मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो वो ऑलवेज कैसा फंक्शन होगा, एक कंटीन्यूअस फंक्शन। बट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे क्या है, ये कंटीन्यूअस मे और मे नॉट बी, तो आप एक काम करो ये लेट कर दो कि लेट एक्स इक्वल टू एन पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, x equal to n पे इसको continuous let करके LHL, RHL और function की value को जब equal करोगे ना तो solve करने पे n equal to only 0 आएगा, कि n equal to 0 पे continuous होगा, बाकी all integer पे continuous नहीं होगा, proper method तो ये इसको करने का, ठीक है। चलो तो अभी इसका fourth option आपको tick करना है। उसके बाद देखो question number 20 का है, if a differentiable function fx equal to e की power x plus 2x is given, f इनवर्स x का dy dx आपको फाइंड आउट करना है, कब, जब x आपका f ऑफ ln 3 है। तो देखो क्या करना है इसमें, जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो आप उसको एक नया फंक्शन लेट कर दो, जो भी आपकी इच्छा है, तो मैं काम करता हूं इस f इनवर्स x को g लेट कर देता हूं, कि लेट आओ gx इक्वल टू f इनवर्स x, इसका मीनिंग क्या है, तो आपने जब f इनवर्स x को g लेट किया है इसका मीनिंग है बेटा आपको g dx करना है फाइंड आउट, तो कुछ नहीं करना, इस f इनवर्स को लेफ्ट में ले आओ, आपको क्या आ गया f ऑफ gx इक्वल टू x, कर दो इसका बहुत सारा डिफरेंशिएशन, तो पहले f का करोगे तो f डैश gx आ गया, इनटू gx का आ गया g डैश x इक्वल टू आ गया 1, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, g डैश x को बताना है जब x आपका f ऑफ ln 2 है, तो सबसे पहले काम करते हैं अपन, इस f ऑफ ln 2 की वैल्यू की बात करो तो x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ ln 2, तो इसमें x की जगह पुट कर दो ना ln 3, तो ये जाएगा e की पावर ln 3 प्लस 2 ln 3, तो e की पावर ln 3 तो ये कट गया, तो क्या आ गया 3 प्लस ln 9,
ये आपका पॉइंट आ गया, मतलब इस x इक्वल टू इस पार्ट पे आपको इसके डेरिवेटिव की वैल्यू करनी फाइंड आउट। तो एक काम करते हैं अपन इस x को पुट कर देते साथ ही साथ, तो क्या रहेगा क्वेश्चन, g डैश 3 प्लस ln 9 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश gx, मतलब लिख देते समझाने के लिए f डैश g ऑफ 3 प्लस ln 9, ये वैल्यू आपको करनी है कैलकुलेट। तो सिंपल सी बात है, f डैश के अंदर आपको इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी, f डैश के अंदर आपको ये पुट करना है, मतलब g 3 प्लस ln 9 की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें काम करो ना, इसे पुट कर दो, अरे मेरे को क्या चाहिए, g 3 प्लस ln 9, तो इसमें जब आप x को 3 प्लस ln 9 पुट करो क्या जाएगा, f ऑफ सॉरी g ऑफ 3 प्लस ln 9 इक्वल टू f इनवर्स 3 प्लस ln 9, 3 प्लस ln 9। तो एक बात बताओ, f इनवर्स 3 प्लस ln 9 आ गया, तो सबसे पहले बताओ f इनवर्स 3 प्लस ln 9 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात बताओ, आपको fx पता है, ये इससे आपको क्या लाना है, f इनवर्स 3 प्लस ln 9, तो कब आ सकता है, जब x की एक ऐसी वैल्यू पुट करो कि इधर की तरफ आना चाहिए 3 प्लस ln 9, जब इधर की तरफ राइट साइड में जब 3 प्लस ln 9 होगा तो उस f को लेके जाओगे तो आ गया ना उसका f इनवर्स। और ये सिंपल सी बात है, ये 3 प्लस ln 9 कब आया था, जब आपने x को ln 3 पुट किया था। तो जो अपना फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन में जब x को ln 3 पुट करोगे आप तो क्या जाएगा, f ऑफ ln 3 इक्वल टू 3 प्लस ln 9, तो देन सिंपल सी बात ये है कि इसमें f इनवर्स 3 प्लस ln 9 की जो वैल्यू क्या रहेगी बताओ, ln 3 क्या जाएगी बोलो, ln 3। तो ये सारी रामायण एक जैसी है, तो अपन एक काम करते पुट कर देते, दिक्कत क्या है, कर दे पुट, और आप सीधा भी समझ सकते हो, आप सिंपल आपको x इक्वल टू जिस पार्ट में वैल्यू चाहिए ना तो सीधा x भी पुट कर दो उसमें लो, तो g f ln 3 सीधा ln 3 आ जाएगा, g f ln 3 क्या जाएगा सीधा ln 3 आ गया, मतलब ये सिंपल बन गया f डैश ln 3। क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन f डैश, क्योंकि g 3 प्लस ln 9 की वैल्यू ln 3 है, तो f डैश ln 3 आ गया। और f डैश ln 3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, fx का कर दो डिफरेंशिएशन और उसमें x की जगह पुट कर दो ln 3, दिक्कत क्या आ रही है। तो देखो जब इस फंक्शन का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, इधर कर देते हैं, कहां चला गया फंक्शन, फंक्शन क्या था, f डैश x कितना जाएगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस 2x का आ गया 2, और जब x की जगह पुट करोगे ln 3 तो e की पावर ln 3 3 प्लस 2 इज 5, मतलब f डैश ln 3 कितना आ गया बोलो 5, तो उसको 5 लेने पे क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन 5। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना कोई ऑप्शन है कैसा, हाँ है ना फर्स्ट ऑप्शन, तो उसका फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो तो ये अपने सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन फिनिश हुए, अब चलो 5 क्वेश्चन ओवर है सेक्शन डी पे, फटाफट क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 स्टेप 10 टू 100x अपॉन 200x का जीए फंक्शन क्या होगा। तो थोड़ा चीजों को समझना ब्लैक बोर्ड पे, जैसे दो तरह के क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, तो x टेंड्स टू 0 पे 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, 1 की तरफ ये जो लिमिट की वैल्यू वो एक्चुअली नहीं होती, वो टेंड्स टू होती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 10x अपॉन 10x 10x अपॉन x को 1 लिखते हैं अपन, इस 1 का मीनिंग है टेंड्स टू 1, वो 1 से जस्ट ग्रेटर होगा और 1 से जस्ट लेस होगा, ये मीनिंग है इसका बेटा, ध्यान रखना। अब आप एक बात खुद सोचो ना, अगर मैंने इस पे स्टेप लगा दी कि बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 स्टेप 10x अपॉन x की वैल्यू बताओ, तो अब आंसर क्या आएगा वो सोचना पड़ेगा आपको, ये डिपेंड करेगा कि x टेंड्स टू 0 पे 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो 10x अपॉन x है वो टेंड्स टू 1 है,
तो भाई एक बात बताओ, टेंस टू वन का मीनिंग क्या है? अगर ये वन से जस्ट ग्रेटर हुआ तो उसका स्टेप वन हो जाएगा, और वन से जस्ट लेस हुआ तो उसका स्टेप जीरो हो जाएगा। तो मतलब आपको देखना ही पड़ेगा कि टेन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू जीरो पे कहां अप्रोच करने वाला, वन से ग्रेटर की ओर है वन से लेस की ओर। तो ये आपको आना चाहिए। जो टेन एक्स और एक्स का डायग्राम है, टेन एक्स का डायग्राम तो सबको पता है सिंपल ऐसे बनता है, और जो वाई इक्वल टू एक्स का डायग्राम है, एक्स को जीरो लेने पे टेन एक्स और एक्स दोनों जीरो होंगे, और जीरो से ग्रेटर पे आप एक्स को कुछ भी लो ऑलवेज टेन एक्स की वैल्यू बढ़ी आती है। कुछ ही वैल्यू पुट कर दो, जैसे एक्स को 30 पुट करो तो ये तो आ गया 30, 30 का मतलब पाई बाई सिक्स, और ये 1/√3, तो 1/√3 आपका पाई बाई सिक्स से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। पाई बाई फोर ले लो सबसे छोटा, 10 पाई बाई फोर तो 1 आ गया, पाई बाई फोर 1 से लेस है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस पे टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा। तो जीरो प्लस आपका पॉजिटिव है तो इससे डिवाइड करोगे तो टेन एक्स अपॉन एक्स आपका 1 से ग्रेटर होगा। सिमिलरली जब आप x को 0 से लेस लोगे तो इस बार x ग्रेटर देन 10x होगा, तो x से डिवाइड करोगे तो इनइक्विटी का साइन चेंज होगा, तो अगेन 10x अपॉन x 1 से ग्रेटर होगा। तो इस केस में इसका स्टेप कितना जाएगा 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आंसर आएगा। सिमिलरली कुछ नहीं इसमें, x की 2008 आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x की 2008 लिख दो दिक्कत क्या है, क्योंकि उस केस में भी क्या होगा कि जो 10 2008x की जो वैल्यू है वो 2008x से ग्रेटर होगी ऑलवेज, ठीक है। तो देन उस केस में भी इसका आंसर क्या होगा 1। वैसे प्रॉपर मेथड तो क्या है, इसको करते हैं टू फंक्शंस के कंपैरिजन से कि बताओ 10 2008x और 2008x में x टेंस टू 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो कौन फंक्शन ग्रेटर होगा। तो उसको करने का प्रॉपर मेथड तो ये है बेटा, आप एक फंक्शन ऐड कर दो fx इक्वल टू 10, मेरी तरफ देखो ब्लैक बोर्ड पे, 10 2008x माइनस, अरे कुछ नहीं किया मैंने, एक फंक्शन ऐड किया दिस माइनस दिस, और अगर एक बात बताओ मैंने प्रूव कर दिया कि fx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, fx ग्रेटर देन 0 तो अगेन दिस पार्ट ग्रेटर देन दिस पार्ट, तो हो गया फिनिश। तो देखो बेटा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे f dash x, उसका f dash x कितना आएगा, 10 का तो क्या जाएगा sec स्क्वायर 2008x, और क्या जाएगा 2008 और माइनस के 2008, बोलो आया ना, 2008 कॉमन लोगे तो क्या गया sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से ग्रेटर होगी, तो f dash x आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसमें क्या आएगा, f dash x अगर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देन fx फंक्शन आपका कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो देखो क्या करना है, x को 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 है तो 0 प्लस पे वैल्यू हमेशा क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी ना। अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है तो दोनों तरफ f लोगे तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि fx आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो fx का मतलब दिस पार f ऑफ 0 0 तो क्या आ गया 10 2008x ग्रेटर देन 2008x, x आपका 0 से जस्ट ग्रेटर तो अपॉन में लाओगे तो दिस अपॉन दिस का जो रेशियो हो क्या होगा 1 से ग्रेटर, तो उसका स्टेप 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। जब भी टू फंक्शंस को कंपैरिजन करना है कि कौन किससे बड़ा है, और फिक्स है जब भी लिमिट का ऐसा क्वेश्चन आता है ना 10x अपॉन ये, तो फिर भी सिंपल है क्योंकि 10x और x का डायग्राम अपन बना सकते हैं, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया और उसको देखना है कि बताओ उसका स्टेप क्या होगा, तो आपको इसको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम कब आती है, अब इसके में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वैरायटी के, ठीक है चलो छोड़ो उनको, तो भी आप तो अभी इसका आंसर आपको वन फिल करना है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन दिस पार्ट इज, इसमें आपको टोटल इरेशनल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो बताओ इस ट्राइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, तो आप सबने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस टू सी टू, क्या होता है फॉर्मूला एन प्लस टू सी टू, तो एन को टू लेने पे क्या जाएगा 12c2, तो 12 66 आ गए, टोटल टर्म 66 है, तो बताओ इन 66 में से टोटल इरेशनल टर्म्स क्या होंगी। तो देखो अब आप बोलोगे सर इधर ट्राइनोमियल का क्वेश्चन है क्या करें, इस क्वेश्चन को आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो, इसको ए लेट करो उसको बी लेट करो, TR plus B term का formula apply करो और बाद वाले में again TR plus B का formula लगाओ, तो आप उससे simplify कर सकते हो। और ये सीधा simple method है, आपको पता होगा शायद
कि जो थ्री टर्म्स है आपकी ट्राइनोमियल ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा सीधा, सिग्मा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर वन ए की पावर आर वन बी की पावर आर टू सी की पावर आर थ्री, सबने पढ़ा होगा। और आर वन आर टू आर थ्री सबका सम क्या होता है, एन की इक्विवेलेंट होता है। हाँ है ना, ये याद रखें आप, अभी थ्योरी आनी चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं इसको समझाने से। तो जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या जाएगा, इस सीरीज का मतलब इस सीरीज को ओपन करने पे कौन कौन सी टर्म आएंगी, फैक्टोरियल टेन अपॉन फैक्टोरियल आर वन आर टू आर थ्री रूट टू की पावर आर वन, तो क्या जाएगा टू की पावर आर वन बाई टू, थ्री की पावर आर टू बाई थ्री और फाइव की पावर आर थ्री बाई सिक्स। अब आपको नंबर ऑफ इरेशनल टर्म को फाइनल करना है, तो टोटल टर्म में से क्या करो, रेशनल टर्म को फाइनल कर दो। तो ये टर्म सारी रेशनल कब होंगी, जब ये भी आपका इंटीजर हो, ये भी आपका क्या हो इंटीजर, और ये भी क्या हो इंटीजर, मतलब जीरो वन टू थ्री अप टू सो ऑन। तो देखो देन क्या करना है अपन को, आर वन अपॉन टू बिलोंग्स टू इंटीजर, इसका मीनिंग आर वन अपॉन टू की वैल्यू इंटीजर कब हो सकती है, जब आर वन जीरो टू फोर सिक्स एट और मैक्सिमम आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू टेन हो सकती है, एन से लेस होगी, ठीक है ना। सिमिलरली आर टू की बात करोगे आप, तो ये इंटीजर कब होगा, जब आर टू थ्री का मल्टीपल होगा, थ्री के मल्टीपल कौन होंगे, जीरो थ्री सिक्स और नाइन, और आर थ्री अपॉन सिक्स इंटीजर कब होगा, जब आर थ्री छह का मल्टीपल होगा जीरो छह, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आपका टेन आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्या आर वन आर टू आर थ्री को, अरे इनका सम टेन आएगा वो केस ले लें तीनों में, तो देख लो कौन कौन सा आ सकते हैं। जैसे इधर टेन लिया मैंने, इन दोनों को जीरो ले सकता हूं, तो आर वन को टेन आर टू आर थ्री को जीरो लोगे तो एक टर्म तो इससे आएगी रेशनल, तो एक आंसर तो आ गया टेन कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये आर वन आर टू आर थ्री का पेयर है। उसके बाद टेन लाने का ऑप्शन क्या है, एट के साथ टू है नहीं हटाओ, सिक्स के साथ कुछ नहीं है छह भी नहीं आ सकता, फोर के साथ चार तीन सात आ गया ना, सिक्स फोर सिक्स जीरो फोर सिक्स और जीरो, इस कॉम्बिनेशन पे ये आपका कितना आ सकता है बताओ, फोर सिक्स जीरो कॉम्बिनेशन पे भी इनका सम टेन आ सकता है। और टेन लाने के लिए कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, इधर फोर सिक्स लिया तो इस बार फोर के साथ सिक्स इधर लो ना, फोर जीरो सिक्स, एक आ गया फोर जीरो सिक्स, ये सारे पेयर देखने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई पेयर नहीं होगा जिससे सम क्या सकता है टेन। ये इंटीजर का होगा जब ये सारे इंटीजर होंगे, तो आर वन टू का मल्टीपल, ये थ्री का, ये सिक्स का, लिख के देख लीजिए ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब वो पेयर देखो जिसमें तीनों का सम क्या आना चाहिए टेन, तो तीन ही पेयर है, मतलब इन थ्री पेयर के रिगार्डिंग थ्री टर्म्स क्या होंगी रेशनल और रिमेनिंग टर्म क्या होंगी इरेशनल, तो टोटल इरेशनल टर्म कितनी होंगी 63, तो इसका 63 आपको आंसर फिल करना है, ठीक है चलो। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ एबीसीडी का मल्टीप्लाई आपको 1 गिवन है, एबीसीडी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। देखो इस क्वेश्चन, जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम की बात करे और जो नंबर से वो आपके पॉजिटिव है, तो आप ट्राई करते हो ए एम जी एम एच एम की बात। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा, इसमें ए इस पर आ रहा है, एक ए इधर है, एक ए इधर है, एक ए इधर, तो ए कितनी बार है, एक दो तीन पांच बार आ रहा है। सिमिलरली बी स्क्वायर दो तीन चार पांच, मतलब इन ऑल टर्म्स में ए बी सी डी इन सबकी पावर इक्वल है फाइव फाइव फाइव, इसका मतलब ये टोटल टर्म कितनी पता है आपको, एक दो तीन चार पांच टेन टर्म, तो टेन टर्म्स में आप क्या कर दो ए एम जी अप्लाई कर दो, तो टेन टर्म्स का एम तो क्या होगा इन सबका समिशन, और इसी की तो वैल्यू चाहिए इसको ई लेट कर दो, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इन सबका सम तो क्या गया ई अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स टेन ग्रेटर देन इक्वल टू सबके मल्टीप्लाई की पावर वन बाई टेन, तो इन सबका मल्टीप्लाई क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या गया ए की पावर फाइव बी की पावर फाइव सी की पावर फाइव डी की पावर फाइव, तो सब पे पावर सेम है तो एक साथ लगा सकते हैं अपन, तो बस
इन टर्म्स में आपने डायरेक्ट एएमजीएम अप्लाई क्यों किया है? क्योंकि जो टर्म्स हैं इन सब के मल्टीप्लाई की पावर सेम है 5, तो 5 कॉमन आ गया, तो देन आप एबीसीडी के मल्टीप्लाई की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हो? 1 पुट कर सकते हो, ठीक है? तो 1 पुट करने पे 1 आ गए, तो देन ई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो? 10, तो आपको इसका 10 आंसर फिल करना, ठीक है? चलो सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिग्मा के इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट के एक्स की पावर के इक्वल टू 20 देन एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए अपॉन बी इन दी लोएस्ट फॉर्म देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। कुछ नहीं करना है, सीरीज को सॉल्व करना, काम करो ना, इसको सिंपलीफाई करो। एस मान लेते इसको सिग्मा, बाद में इसको 20 पुट कर देना। सिग्मा के इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, एक बार k की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी सीरीज आएगी। वैसे तो क्या पता चलेगा, 1 लेने पे x आ गया, 2 लेने पे 2x² आ गया, 3 लेने पे 3x² आ जाएगा, 4 पे 4x³ अप टू सो ऑन। ये प्रोग्रामिंग ऐसे, सॉरी, ये प्रोग्रामिंग ऐसे इनफिनिटी तक चलती रहेगी। तो देखो ढंग से क्या है, ये सबको देखना चाहिए शायद। x x² x³ x² ये तो आपके जीपी में है, 1 2 3 4 ये आपके एपी में, तो कौन सी सीरीज है? AGP। और जब भी AGP सीरीज हो और इसमें टर्म इनफाइनाइट है तो बहुत सिंपल हो गया। तो जब भी AGP सीरीज को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं? उसके कॉमन रेशियो से एक एक टर्म को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसका कॉमन रेशियो क्या है? x है ना, तो इसको x से मल्टीप्लाई करके ईच टर्म को आगे शिफ्ट कर दो, तो ये तो आ गया x², इससे करोगे तो क्या जाएगा? 2x³। इसको जब आप x से मल्टीप्लाई करके जाएगा 3x की पावर 4 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा इनफिनिटी। और कुछ नहीं करना, फर्स्ट में से सेकंड को कर दो सीधा सबट्रैक्ट, तो 1 माइनस x, s कॉमन आ गया, तो क्या रहेगा? x प्लस x² प्लस ये लो, तो क्या बन चुकी है? फिक्स है, जब AGP को कोरेस्पोंडेंट टर्म का डिफरेंस करते हैं तो बाद में वो 100% GP बनती है। तो क्या आ गया? तो GP की इनफिनिटी टर्म का समेशन इस पार्ट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, तो s आ गया इससे x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर आ गया ना, तो सीरीज का सम आ गया इस पार्ट। ये करना है 20 के इक्विवेलेंट, तो जब इसको 20 के इक्वल करने पे क्या आएगा? देखो x² तो 20x² आ गया, माइनस के 2x तो माइनस के 40x आ गया, माइनस के 40x और x 41x कर दिया सीधे इसको मैंने, ठीक है, प्लस 20 इक्वल टू 0, तो 20 और 20 40, 400 आ गया ना, तो 400 आ गया, तो उसके करने आपको फैक्टर 400, 25 और 16 हो जाएंगे इसके फैक्टर, क्या हो जाएंगे? 25 और 16। तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 20x² माइनस के 25x माइनस के 16x प्लस के 20, अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो आप, इन दोनों में तो कॉमन आ गया 5x, तो जब आप 5x कॉमन लोगे तो क्या आ गया? 4x माइनस 5, और बच्चों इन दोनों में जब माइनस 4 कॉमन लोगे तो क्या जाएगा? अगेन 4x माइनस 5, तो ये कॉमन लेने पे इसके फैक्टर क्या होंगे? 4x माइनस 5 इनटू 5x माइनस 4, तो देन x की टू वैल्यू लूंगी, एक तो होगी 5/4 और एक होगी x इक्वल टू 4/5। तो देखो इस क्वेश्चन में तो इंटरेस्टिंग बात ये है, 4/5 लिखो या 5/4, इन दोनों केसेज में सम क्या आएगा? 9, तो आंसर तो उसका 9 करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन वो तो ठीक है, क्वेश्चन ये दिया, कुछ चेंजेस कर दिए जाए क्वेश्चन में कि बताओ, मैंने पूछ लिया कि बताओ 20x की वैल्यू क्या होगी, 20x की वैल्यू क्या होगी, 20x की वैल्यू बताओ, तो फिर दो करेक्ट आंसर आ सकते हैं, ये लेने पर अलग आंसर आएगा, ये लेने पर अलग आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो मुद्दे की बात है वो ये, आपने सब कुछ सोल्व किया ना, देखो इस स्टेप पे आओ, आप इस सीरीज को सोल्व किया, तो कौन सी सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है, और इनफिनिटी सीरीज का जो फॉर्मूला पढ़ा अपने a अपॉन 1 माइनस r, तो उस a अपॉन 1 माइनस r में जो कॉमन रेशियो r है, उस r की वैल्यू ऑलवेज बेटा -1 से 1 के बिटवीन होनी चाहिए। तो जब ये पता है कि r आपका -1 से 1 के बिटवीन होगा, तो अपने क्वेश्चन में r कौन था? x, इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो था वो क्या था? x है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 1 के बिटवीन, तो देन इस केस में इसका
ये वैल्यू करेक्ट होगी 4 अपॉन 5, 5 ऑफ 4 वैल्यू इसकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आंसर तो अब इसका 9 आ जाएगा, ठीक है, चलो ध्यान रखना था तुमको। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 दी कर दिस पार्ट देन दी वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है पी 1,1, मतलब 1,1 पे इसके डबल डैश के डेरिवेटिव की वैल्यू आपको करनी है फाइंड आउट। कोई नहीं, कर देते हैं, दो बार कर दो, डिफरेंशियल बच्चों की तरह दिक्कत क्या है। तो 32 को तो बाहर रखना, एक्स स्क्वायर का किया सॉरी एक्स क्यूब का करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, अब y स्क्वायर का किया तो क्या आएगा x क्यूब 2y, y1 का मतलब dy/dx से इक्वल टू, इधर पहले पावर का करो तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम n माइनस 1, फिर ब्रैकेट की बात करोगे तो x का तो आ गया 1 और y का आ गया y1, आपको पढ़ना है डबल डैश, और डबल डैश में जब 1,1 आप पुट करोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, डबल डैश में y1 भी आने वाला है, y1 का मतलब dy/dx भी आने वाला है 1,1 पे। तो आप अभी क्या कर दो, इसमें x को 1 और y को 1 पुट करके ये चेक करो कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी एट 1,1 पे। तो देखो जब आप इसमें x और y दोनों को 1 पुट करोगे तो क्या आ गया, सीधा लिख दे सीधा, ये 1 है तो 2 आ गया तो 5, तो ये आ गया सॉरी 3 प्लस 2y1 ऐसे लिख देते हैं 32 3 प्लस y1 इक्वल टू 2 की पावर 4 5 5 इंटू 16 1 प्लस y1, तो 16 से चला गया 2 टाइम्स तो क्या गया 6 प्लस 2y1 इक्वल टू 5 प्लस 5y1 तो क्या रह गए 3y1 इक्वल टू 1, देन इससे आ गया y1 इक्वल टू 1/3। देखते हैं इसकी कोई जरूरत पड़ेगी क्या, पड़ेगी जल्द, सिंपल सी बात। अब इसका अगेन आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज का मतलब इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो क्या आ गया 32x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन लेने पे आ गए 3y स्क्वायर प्लस 2y/y1, लेने को तो y भी ले सकते हो तो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, ज्यादा बेटर है, इक्वल टू 5, ये वाला पार्ट एज इट इज इनटू 1 प्लस, और अगेन क्या करो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में जब आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो कुछ नहीं करना उसमें, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड करना, इसको सेकंड, इसका करना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको भी क्या करना फर्स्ट इनटू सेकंड से, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें x को 1 पुट कर देना, y को 1, और जहां जहां y1 है उस y1 की वैल्यू क्या पुट करोगे 1/3, y1 का मतलब dy/dx at x equal to 1,1, ये जब ऑल थ्री वैल्यूज को पुट करोगे तो उसमें y2 ऑटोमेटिक बेटा क्या आ जाएगा 0, तो ये कैलकुलेशन आप करना, ठीक है, तो इसका आंसर आपको 0 फिल करना है। चलो थैंक यू बेटा।